आपके स्टैंडर्ड को मीट कर पाएगा और वो सारे क्वेश्चन आप सोल्व कर पाओगे जो कि कुछ हद तक डिफिकल्ट लेवल भी कह सकते हो आप यानी कि मिक्सड रहेगा मॉडरेट एंड डिफिकल्ट लेवल का ठीक है तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन इंक्रीजिंग द सैंपल साइज हैज द फॉलोइंग इफेक्ट अपॉन द सैंपलिंग एरर सैंपलिंग साइज को अगर हम बढ़ा देते हैं क्या इफेक्ट डालेगा वो सैंपलिंग एरर के ऊपर तो ऑप्शन है इट एरर एरर हैज नो इफेक्ट ऑन द सैम्पलिंग एरर ऑल ऑफ द अबॉव वेरी गुड सभी का बी आंसर आ रहा है वेरी गुड तो एक्सप्लेनेशन में भी आपको बता दूं कि जो सैंपल साइज होता है ठीक है जो सैंपल साइज होता है कम सैंपल साइज है तो जो आपका एरर का परसेंटेज रहता है एरर का परसेंटेज रहता है जब आप सैंपल बढ़ा देते हो तो वही परसेंटेज डिवाइड हो जाता है और उसके साथ ही साथ आपका सैंपलिंग एरर का चांसेस जो है वो रिड्यूस हो जाता है ठीक है

बहुत अच्छे बहुत अच्छे जो भी आंसर कर रहे हैं उसका रीजन बता दो क्यों प्रतिमा सस्मिता ईशानी टिकिना एलिजा सुरेखा सोम्या मिलन सलीजा किशोर तृप्तिमयी जीता और भी हैं ज्योत्सना लिटिना सत्य मिताली सरस्वती आशीष भारती बहुत अच्छे सभी का सही आंसर आ रहा है बस मुझे बता दो कि ये आंसर क्यों दिया आपने मतलब क्यों हो सकता है आपको क्यों लगता है कि ये हो सकता है तो गिव एक्सप्लेनेशन इफ यू हैव क्योंकि इससे होता है आपका क्लैरिटी आ जाता है ठीक है वेरी गुड लिप्सा ठीक है तो एनी ऑफ यू अगर आप चाहते हो तो आप आंसर कर सकते हो वेरी गुड अनिल क्यों क्यों वो आप जो आंसर कर रहे हो क्यों सपोर्ट योर आंसर ठीक है चलिए आंसर कीजिएगा उसके साथ ही साथ एक्सप्लेनेशन इज आल्सो इंपॉर्टेंट ठीक है आप एक्सप्लेन करो क्यों हो रहा है ये ठीक है एक सैंपल का कितना प्रोबेबिलिटी है कि वो सिलेक्ट हो जाए रैंडम सैंपलिंग में उसका परसेंटेज ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या है ट्वेंटी फाइव परसेंट या फिफ्टी क्या है इन रैंडम एंड एवरी आइटम इक्वल चांस आपने जो आंसर दिया है सभी का आंसर आ चुका है तो ठीक है आंसर चेक कर लेते हैं इसका फिफ्टी परसेंट ही है लेकिन क्यों फिफ्टी 49 है कोई मुझे ठीक yes. है सिलेक्ट होना और ना होना फिफ्टी फिफ्टी चांस होता है वेरी गुड मिताली वेरी गुड क्रिकेट में जैसे हेड टेल होता है बहुत अच्छे किसने ये एग्जाम्पल दिया है एग्जाम्पल सुब्रत ने डेफिनेटली क्रिकेट का बात आता है मतलब बॉइज आर अड वेरी गुड सुरेखा ने कहा

फिफ्टी तो फिफ्टी बन जाते हैं ये सर नो इन बिटवीन वी शुड चूज वेरी गुड तो इसका मतलब है फिफ्टी परसेंट चांस ऑफ बिंग सिलेक्टेड एंड रेस्ट फिफ्टी परसेंट ऑफ चांस नॉट सिलेक्टेड ठीक है 50 परसेंट चांसेस है सिलेक्शन होने का 50 परसेंट सिलेक्शन ना होने का सिंपल सा सवाल है लेकिन कभी कभी इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं देखिए क्वेश्चन कुछ आपको लग सकते हैं कि बहुत इजी है लेकिन देखिए हमेशा हमें कॉन्सेप्ट ध्यान देना है अगर हमारे पास क्लैरिटी है हर एक सब्जेक्ट का हर एक टॉपिक का तो एग्जाम में आपको कोई चैलेंज नहीं कर सकता है सारे क्वेश्चन आपके लिए इजी होंगे ठीक है तो लेवल पे मत देखिए क्वेश्चन पे देखिए द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए स्टैटिस्टिक एंड द वैल्यू ऑफ पैरामीटर बीइंग एस्टिमेटेड इज कॉल्ड अ स्टैंडर्ड एरर रिसर्चर बायस सैंपलिंग एरर नॉन सैंपलिंग एरर थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है ठीक है डिफरेंस जो हमने एक्सपेक्ट किया था स्टैटिस्टिक का और वैल्यू ऑफ पैरामीटर बीइंग एस्टिमेटेड जो आप एस्टिमेट कर रहे हो कि पैरामीटर का वैल्यू होने वाला है उसमें जो डिफरेंस आएगा उसको हम क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड एर रिसर्चर बाय सैंपलिंग नॉन सैंपलिंग एरर सोच समझ के आंसर कीजिए यस लिटिना कह रहे हैं बी कह रहे हैं सी ओके भारती के बी आशीष कह रहे हैं ए ओके एकेशन बी सुप्रभा बी किशोर कह रहे सी प्रतिमा बी लिजा सी बादल सी अच्छा ठीक है सपोर्ट योर आंसर बताइए अगेन रियल मी हु इज दैट रियल मी कैन यू प्लीज रीनेम योर सेल्फ यस सोनी कह रहे अभी प्लीज अपने आप को रीनेम रिन, कीजिए जो भी नाम आपने हमें दिया है उस हिसाब से अपना नाम रखिए ताकि हमें आसानी हो कि पहचान सके कौन है, कौन है कौन नहीं ठीक है अनिल कह रहे हैं ठीक है जो लोग ए और सी कह रहे हैं वो लोग एक्सप्लेन कीजिए क्यों वाई वाइट इज ए वाइट इज सी एक्सप्लेन कीजिए क्यों है यस एनीबडी ओके ठीक है बताइए यस एनीबडी कोई देखते हैं यस मिताली कह रहे हैं ए सोनल कह रहे हैं सी हम्म यहाँ पे मीन की बात ही नहीं हो रही है अनिल मीन हमने अभी तक कैलकुलेट किया ही नहीं क्योंकि हम यहाँ पे पूछ रहे हैं कि डिफरेंस आ रहा है हमने जो एक्सपेक्ट किया था एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ स्टैटिस्टिक एंड द वैल्यू ऑफ पैरामीटर बीइंग एस्टिमेटेड स्टैटिस्टिक में कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे पैरामीटर में पैरामीटर uh, में कुछ एस्टिमेट जो हमने किया था उसका वैल्यू यानी स्टैटिस्टिक का वैल्यू एक्सपेक्टेड वैल्यू और पैरामीटर का एस्टिमेटेड वैल्यू दोनों में डिफरेंस आ रहा है क्यों आ रहा है यस yes. ओके okay. ठीक है तो चलिए सभी हाँ ओके okay, फाइन तो देखते हैं देखिए यहां पे आंसर कौन सा बन जाएगा रिसर्चर बायस क्यों है आंसर <coughs> एक चीज यहां पे ध्यान रखिएगा हाँ सन्यासी कह रहे हैं द द द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एंड ट्रू वैल्यू ऑफ द पैरामीटर ठीक है सन्यासी कह रहे हैं कि जो एस्टिमेटेड वैल्यू है यानी कि जो आपने एक्सपेक्ट किया था एस्टिमेटेड वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू ऑफ द पैरामीटर इज डिफरेंट ओके यहाँ पे आंसर रिसर्चर बायस इसलिए है क्योंकि देखिए जब हम स्टैटिस्टिक में यूज करते हैं कोई भी प्रकार का मतलब मान लीजिए आप किसी भी टी टेस्ट ले लीजिए या फिर एनोवा um, uh, ले लीजिए कुछ भी आपने अपना स्टैटिस्टिक uh, लिया था और उसमें जब आपने कैलकुलेट किया अपना वैल्यू ठीक है आपने जो भी सैंपल uh, से डेटा लिया है उसको आपने कैलकुलेट किया बट जब पैरामीटर में यानी जब हम इनफॉर करते हैं हियर द रिसर्चर इज हैविंग बायस दैट हैीन्स हम कभी कभी क्या सोचते हैं जैसे कि लेते हैं कि मेल आर बेटर फीमेल इन मैथमेटिक्स ठीक है तो कभी कभी क्या होता है मान लीजिए रिसर्चर एक मेल है तो डेफिनेटली वो कोशिश करेगा कि कैसे किस प्रकार से जो हमारा पैरामीटर है यानी जो हमारा इन्फुरंस है दैट इज टू बी टिल्टेड टुवर्ड्स मेल ठीक है तो यहाँ पे गलत आंसर आ रहा है या फिर गलत वैल्यू आ रहा है मैनिपुलेशन हो रहा है ये जो पैरामीटर का एस्टिमेशन है दैट मेक्स सम डिफरेंस बिटवीन स्टैटिस्टिक एंड पैरामीटर इससे क्या होता है इसके अंदर जो फैक्टर आता है वो होता है रिसर्चर बायस ठीक है क्योंकि यहाँ पे रिसर्चर क्या करता है रिसर्चर कहते हैं ना कि जब हम रिसर्च करते हैं इट शुड बी वेरी ऑब्जेक्टिव इट शुड बी डिफरेंट और इट शुड बी केप्ट आउटसाइड ऑफ द सब्जेक्टिविटी ऑफ द रिसर्चर जब रिसर्चर बायस होगा तभी ये डिफरेंस दिखाई देगा ठीक है क्लियर चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स रेफर टू डाटा प्रोसेसिंग एरर डेटा जब हम प्रोसेस करते हैं यानी डेटा एनालिसिस करते हैं उस टाइम में जो प्रॉब्लम होता है उसको हम क्या कहते हैं टर्म्स ऑफ डेटा प्रोसेसिंग एरर को हम क्या कहते हैं एक्टिविटीज और इवेंट्स रिलेटेड टू सैम्पलिंग प्रोसेस फॉल्टी टेक्निक्स ऑफ कोडिंग एंड मैनेजिंग डेटा

आ, एलिजा सोनी सभी कह रहे हैं बी आंसर होगा तो चलिए इसका आंसर बी ही होगा फॉल्टी टेक्निक्स ऑफ कोडिंग एंड मैनेजिंग जब हम कोई जब कोडिंग करते हैं यानी जब हम डेटा को प्रोसेस करने के लिए उसे कोड में कन्वर्ट करते हैं ठीक है और उसके साथ ही साथ जब डेटा मैनेज करते हैं ठीक है yes, उसमें अगर फॉल्टी yes, yes, यानी कुछ फॉल्ट अगर कुछ फॉल्ट आता है यानी इफ यू फेस सम प्रॉब्लम ड्यूरिंग दिस यानी कोडिंग और मैनेजिंग द देन इट इज सम काइंड इट इज रेफर्ड एज डेटा प्रोसेसिंग एरर नॉट डेटा कलेक्शन एरर 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 नॉट इंटरप्रिटेशन ठीक है इस को हम कहते हैं डेटा प्रोसेसिंग एरर ठीक है ये क्लियर हो गया तो ये वाला ऑप्शन देखिए रिसर्चर बायस क्या होता है देखिए स्टैटिस्टिक यानी आपके पास जो सैंपल था देखिए मैंने सिंपल आपको कहांपल है, सैंपल सैंपल है यानी जो आपके पास डेटा है उसको हम सैंपल कहते हैं उसको हमने जो यूज किया है उसको हम स्टैटिस्टिक कहते हैं जो स्ट्रटिस्टिकल uh, टूल हम यूज करते हैं उसको स्टैटिस्टिक जब हम पैरामीटर यूज करते हैं दैट मींस इट इट रेफर्स टू द कैलकुलेशन ऑफ पॉपुलेशन 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 रिगार्डिंग डील्स विद तो स्टैटिस्टिक में एक वैल्यू था लेकिन पैरामीटर में वैल्यू अलग आ रहा है क्यों आ रहा है बिकॉज मैंने कहा मैनिपुलेशन होता है यहाँ पे हम चाहते हैं कि जो हाँ बाइस का मतलब होता है बाइस का मतलब होता है फेबरिज्म ठीक है फेबरिज्म यानी कि मैं किसी को फेवर कर रहा हूं मैं किसी को इंपॉर्टेंस uh, ज्यादा दे रहा हूं मुझे पता है रिसर्च कुछ uh, ऐसा परसेंटेज दे रहा है कि फीमेल आर बेटर देन मेल बट रिसर्चर ये चाहता है कि मैं चाहूं तो मेल आर बेटर देन फीमेल तो वहां पे वो मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है बायस करता है यानी वो अपने तरफ अपने हिसाब से वो काम लगाता है यानी कि वो चाहता है कि मैं जैसा उत्कम चाहे मतलब uh, मैं जैसा आउटकम चाहता हूँ वैसा ही होना चाहिए यानी कि फॉर एग्जाम्पल हम क्या करते हैं केस स्टडी लेते हैं केस स्टडी जब हम करते हैं किसी सब्जेक्ट के ऊपर या फिर किसी के इंस्टीट्यूशन ऊपर हम उसको और भी महान बनाने की कोशिश करते हैं यानी वी पुट आवर इमोशंस विद द रिसर्च और जो कि रिसर्च में एक एथिक नहीं है और उसमें क्या होता है जब स्टैटिस्टिक में कुछ और आता है वैल्यू और पैरामीटर में यानी एस्टिमेशन में कुछ अलग ही आंसर आ रहा है या फिर कुछ अलग ही वैल्यू आ रहा है क्योंकि we we have uh, in, we have some input from from our side from the side jab जब bias karega करेगा तब kar ke ये वैल्यू uh, डिफरेंस आपको दिखाई देगा statistics में वैल्यू कुछ अलग था पैरामीटर में कुछ अलग है इसका स्टैंडर्ड deviation कुछ अलग था इसका स्टैंडर्ड deviation कुछ अलग है ठीक है

देखिए एक होता है कि आपका जब सैंपलिंग एरर हो जाता है ना तब पता चल जाएगा कि यस दिस हायर एजुकेशन तो यहाँ पे सैंपलिंग एरर तब होगा जब हम सेकेंडरी स्टूडेंट्स मान लीजिए क्लास नाइन्थ स्टूडेंट क्लास टेन स्टूडेंट सेकेंडरी है जब आप क्या करोगे क्लास नाइन्थ में दो बार फेल हुए बच्चे को अगर चाहो स्टैंडर्डाइज आई मीन सिलेक्ट करने सैंपल को तो वहां पे कुछ एरर हो सकता है आपका क्यों क्योंकि उसका कोई एटीट्यूड है 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 ही नहीं तो वो वो गलत आंसर देगा एक आ, दूसरा ये हो हो सकता है कि मान लीजिए में फेल चुका है या तो ड्रॉप आउट कर चुका है लेकिन उसके उसका नाम वहां पर रजिस्टर में है इसलिए आपने उसको सिलेक्ट किया तो वो उस टाइम में सैंपलिंग एरर बन जाता है क्लियर सैंपलिंग एरर पहले से ही पता चल जाता है कि यस इट इज सैंपलिंग एरर ठीक है उसके साथ ही साथ सैम्पलिंग एरर उतना इफेक्ट नहीं करता है पैरामीटर को क्योंकि देखिए यहाँ पे मैंने क्या कहा पहले ही पता चल जाएगा कि सैम्पलिंग एरर uh, कौन सा है इसलिए सैम्पलिंग एरर यहाँ पे होगा नहीं हाँ ईशानी अब क्लियर है अब पूछ रहे हैं कोई uh, मिताली पूछ रहे हैं स्टैंडर्ड एरर क्या है सर देखिए स्टैंडर्ड एरर वो होता है जब हम uh, जो सैंपल एस्टिमेट करते हैं ठीक है ठीके? जब हम कंपेयर करते हैं पैरामीटर के साथ वो भी

रिसर्चर बायस हो हो चाहे एरर दोनों ही दोनों लीड करेंगे स्टैंडर्ड एरर इसको और भी सिंपल कर देता हूं स्टैंडर्ड एरर आखिरी में आएगा जब हमारा फाइनल वैल्यू गलत होगा पहले आपको रिसर्चर बायस को हटाना है सैंपलिंग एरर को हटाना है तभी आपका स्टैंडर्ड एरर नहीं होगा अदरवाइज इसमें से कोई भी एक आप अगर कमिट करते हो रिसर्चर बायस हो चाहे सैंपलिंग एरर हो तो वो स्टैंडर्ड एरर को कमिट करेगा ठीक है क्लियर तो यहाँ पे देखिए कुछ सवाल ऐसे होते हैं जहां पे स्टैंडर्ड एरर भी होगा क्योंकि जहां पे अगर पूछा जाए द वैल्यू ऑफ स्टैटिस्टिक इज डिफरेंट फ्रॉम पैरामीटर व्हेन इट इज कंपेयर्ड देन वहां पे स्टैंडर्ड एरर का आंसर हो सकता है ठीक है ये भी आंसर बन सकता है स्टैंडर्ड एरर का लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है क्या एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड एस्टिमेटेड वैल्यू आर डिफरेंट तो इसलिए यहां पे यह कर रहा है पहले से ही एक्सपेक्ट कर रहा है कि पॉजिटिव आंसर होगा इसलिए ये रिसर्चर बायस है मैं पहले ही बता दूंगा रिसर्च करने से पहले ही बता दूंगा कि जो मैं रिसर्च करने वाला हूँ इसमें ये बेटर आएगा वो बेटर नहीं आएगा और बंस आर बेटर देन रूरल अगर पहले से ही मुझे पता है देन इस ठीक है देन इट इट इज इज रिसर्चर बाय ठीक क्लियर टू एक बार पूरा क्लियर हो जाए तभी आगे बढ़ेंगे कुछ चीजें होते हैं जब आपको क्लियर हो जाना चाहिए फिर आगे बढ़ेंगे क्योंकि ये सवाल एग्जाम में आएगा फिर मत पूछना कि सर हम आपने नहीं बताया एक बार लिख दीजिए ठीक है क्लियर है तो आगे बढ़ेंगे यस एलिजा मिताली ठीक है ईशानी बहुत अच्छे किशोर तृप्तिमय जीता बहुत अच्छे तो चलिए आगे बढ़ते हैं ये फोर्थ क्वेश्चन हमने कर लिया था फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं एनी न्यूमरिकल वैल्यू कंप्यूटेड फ्रॉम द पॉपुलेशन इज कॉल्ड अभी इसी के ऊपर हमने डिस्कशन किया था तो मुझे बताइए कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू पॉपुलेशन के साथ डील करता है उसको क्या कहते हैं स्ट्रेटिस्टिक वायस सैम्पलिंग पैरामीटर

बहुत अच्छे सभी आंसर कर रहे हैं बहुत अच्छे सभी का आंसर आ चुका है वेरी गुड अनिल ज्योस्नामयी सोनाली बहुत अच्छे सभी का आंसर आ चुका है सिंपल सा आंसर था मैंने कहा स्टैटिस्टिक डील विद द पॉपुलेशन डेटा एंड आई मीन सैंपल डेटा सैंपल डेटा जब हम कलेक्ट करते हैं और उसको न्यूमेरिकली कन्वर्ट करते हैं स्ट्रैटिस्टिक कहा जाता है और जब हम न्यूमेरिकल वैल्यू पॉपुलेशन का लेते हैं उसको हम पैरामीटर कहते हैं सिंपल था आगे बढ़ते हैं इन एनोवा वी यूज दिस ऑफ वेरियंस में हम किसको यूज करते हैं इनमें से टी डिब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन एफ डिस्ट्रीब्यूशन टी वैल्यू बहुत अच्छे सभी का फटाफट से आंसर आ चुका है बहुत अच्छे सी सभी ने आंसर दिया है डेफिनेटली सी इज द राइट आंसर इसमें एक्सप्लेन करने की कोई बात नहीं है तो आगे बढ़ते हैं सेवेंथ द एनालिसिस ऑफ वेरियंस इज यूज टू टेस्ट एनोवा यानी एनालिसिस ऑफ वेरिएंस इट इज यूज्ड टू टेस्ट ये किस लिए टेस्ट किया जाता है मीन्स ऑफ थ्री और मोर पॉपुलेशन वेरिएंस ऑफ थ्री और मोर पॉपुलेशन डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स डिफरेंस बिटवीन टू वेरिएंसेस यस यहां पे भी अलग-अलग आंसर्स आने लगे हैं चलिए सुरेखा सोनी मानसी बहुत अच्छे सलीजा सरस्वती गीता प्रतिमा संगीता भारती संतोष एलिज इशानी, किशोर लिप्सा बहुत अच्छे तो इसका आंसर ए आंसर होगा क्योंकि एनोवा तब यूज होता है जब हमारे पास तीन या ज्यादा तीन से ज्यादा थ्री और मोर पॉपुलेशन होंगे तब हम एनोवा यूज करते हैं अगर दो होता तो हम टी टेस्ट यूज करते हैं ठीक है बहुत अच्छे लिपक अनिल तृप्तिमयी लिप्सा बहुत अच्छे आगे बढ़ते हैं

बहुत अच्छे बहुत अच्छे उसके साथ मुझे ये भी बताइए ये तो फॉल्स हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया हमने तो ये तो अच्छी बात है कि हमने फॉल्स हाइपोथेसिस को रिजेक्ट किया अब अगर पूछा जाए फॉल्स हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर दिया तो क्या सीन आ जाएगा उसको क्या कहेंगे यस बताइए सभी ने आंसर किया है पावर ऑफ टेस्ट पावर ऑफ अ टेस्ट तब होता है जब हम एक फॉल्स हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर सकते हैं जब हम फॉल्स हाइपोथेसिस को फॉल्स नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं उसको हम कहते हैं पावर ऑफ द टेस्ट यानी पावर ऑफ अ टेस्ट क्या होता है उस उस टेस्ट का पावर होता है कि वो एक नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर सकता है और अगर एक्सेप्ट कर लिया तो उसको कहा मतलब क्या कहेंगे हम लोग वेरी गुड रिताली तृप्तिमयी जीता बहुत अच्छे टाइप टू एर कहा जाता है ठीक है बहुत अच्छे तो आगे बढ़ते हैं उसके साथ नाइन्थ क्वेश्चन पे चलते हैं बहुत अच्छे सभी का आंसर टाइप टू एर आ चुका है इन विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन रैंडम सैंपलिंग टेक्निक्स डज द रिसर्चर आस्क द पार्टिसिपेंट टू आइडेंटिफाई अदर पोटेंशियल रिसर्च पार्टिसिपेंट ऐसा कौन सा रिसर्च है जिसमें हम दूसरों को मतलब जो पार्टिसिपेंट है उन्हीं को पूछते हैं कि भाई दूसरों का पता बताओ और कौन कौन है जो कि मुझे डेटा दे सकते हैं ठीक है कोटा सैंपलिंग परपसिव सैंपलिंग कन्वीनियंस सैंपलिंग स्नोबॉल सैंपलिंग सीधी सी बात है बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है एक बार सभी को पता होगा कि सिंपल और डिफिकल्ट सभी टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे क्वेश्चन मतलब जब एग्जाम सेंटर में तो मिक्स टाइप ऑफ आपको आपको देना पड़ेगा पड़ेगा हर टाइम टाइम मैनेज करना पड़ेगा और थोड़ा धीरज रखना पड़ेगा यू हैव टू बी पेशेंट बहुत अच्छे सभी का आंसर आ चुका है डी इज द राइट आंसर स्नोबॉल सैम्पलिंग में हम एक पार्टिसिपेंट को दूसरे पार्टिसिपेंट्स के बारे में पूछते हैं यानी इट इज लाइक अ चेन सिस्टम जहां पे हम एक दूसरे

कौन सा मेथड होगा जहां पे एक रिसर्चर एथनोग्राफिक रिसर्च कर रहा है एक मतलब ट्राइबल टीचर्स एंड स्टूडेंट्स के ऊपर ठीक है और आपको पता है ट्राइबल स्टूडेंट्स और टीचर एक जगह पे आपको मिलते नहीं है अलग अलग जगह जोग्राफिकल डाइवर्सिटी रहेगा तो कौन सा होगा क्लस्टर सैम्पलिंग सिस्टमैटिक सैंपलिंग स्नोबल सैंपलिंग नॉन ऑफ द बहुत अच्छे सभी का आंसर आ चुका है सभी ने आंसर किया है सर ए इज द राइट आंसर तो डेफिनेटली क्लस्टर सैम्पलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज यूजफुल मेथड फॉर This type of study. क्या होता है जब हम क्या करते हैं किसी एक ट्राइबल या फिर एक वनरेबल जो एरिया होते हैं या फिर जो वनरेबल टॉपिक्स होते हैं वहां पे जब हम स्टडी करने के लिए उनके पास जाते हैं वहां रहते हैं या फिर उनको एक लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल जो होते हैं उनसे जब डेटा कलेक्शन करते हैं तब हमें क्लस्टर सैम्पलिंग की जरूरत पड़ेगी क्योंकि हम क्लस्टर में उसको डिवाइड करेंगे यस होमोजिनस ग्रुप होता है तो उसको क्लस्टर में डिवाइड करेंगे

वेरी गुड नॉन पैरामीट्रिक कौन सा है वेरी गुड सभी का आंसर आ चुका है बी इज़ बादल सुरेखा बहुत अच्छे क्वेश्चन नंबर थर्टीन पे चलते हैं द प्रोसेस ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग इन प्रॉपर सिक्वेंस मैंने हाइपोथेसिस जब पढ़ाया था मैंने कहा था जब हम हाइपोथेसिस सिलेक्ट करते हैं या फिर फ्रेम करते हैं

मानसी uh, बहुत अच्छे की सलीजा बहुत अच्छे वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड चलिए प्रतिमा बहुत अच्छे एट द एंड आई अनाउंस द टॉपर्स जो uh, जिन लोगों ने टाइम के साथ ही साथ और uh, अच्छा रैंक भी उन्होंने रखा है एट द एंड आई अनाउंस दैट वन ब्रज किशोर वेरी गुड ठीक है बहुत अच्छे तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा सी क्योंकि पहले तो हमें स्टैटिस्टिक चूज करना पड़ेगा किस स्टैटिस्टिक से हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करेंगे वेदर इट इज टी टेस्ट वेदर इट इज एफ टेस्ट वेदर इट इज एनोवा वेदर इट इज काई स्क्वायर जो भी आप स्टैटिस्टिक यूज करना चाहते हो वो आप सिलेक्ट करो देन उसके बाद हम क्या करते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस डिसाइड करते हैं उसके बाद आ, 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 क्या करते हैं तो यहाँ पे, यहाँ पे मैंने उल्टा कह दिया, दिया पहले तो सिलेक्ट करना पड़ेगा सिग्निफिकेंस डिसाइड करते हैं ठीक है मैंने उल्टा कह दिया था अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस या फिर नल हाइपोथिस करते हैं बेसिकली हम लोग नल हाइपोथिस लेते हैं क्योंकि जब हम नल हाइपोसिस को रिजेक्ट करते हैं तभी जा करके हमें ट्रू रिजल्ट मिलता है ठीक है उसके साथ ही साथ हम

कंप्यूट करोगे, कैलकुलेट करोगे और लास्टली आप कंक्लूजन ड्रॉ करते हो ठीक है ये हो गया आपका हाइपोथिस का भी मैंने बताया था कैसे फ्रेम करना है सोर्सेस क्या है वो मैंने बताया था आप लोगों को याद होगा क्लास में ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे जब हम किसी स्टूडेंट्स को प्री टेस्ट देते हैं यानी प्री टेस्ट में हम उनको कुछ टेस्ट देते हैं या फिर ट्रीटमेंट देते हैं क्या लीजिए ठीक है तो उसके बाद उनका पोस्ट टेस्ट में कुछ अचीवमेंट आया तो ये जो प्रकार का एरर आएगा इसको हम क्या कहेंगे मैचुरेशन इफेक्ट टेस्टिंग इफेक्ट सिलेक्टिंग इफेक्ट हिस्ट्री इफेक्ट वेरी गुड सभी का आंसर आ चुका है बहुत अच्छे सभी का आंसर आ चुका है टेस्टिंग इफेक्ट कोई मुझे बताएगा व्हाट इज टेस्टिंग इफेक्ट एंड व्हाई इट इज टेस्टिंग इफेक्ट ओनली मैं क्वेश्चन को इजी बना देता हूं आप लोगों के लिए क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पे घबराना नहीं है बस आपको यहां पे क्या करना है मैंने हमेशा कहा है सर्च फॉर द की वर्ड्स इंपॉर्टेंट वर्ड जिससे आपको आंसर मिल सकता है पहली बात तो एक्सपीरियंस मिला है टेस्ट किसी ने अपियर किया है इसलिए उनको कुछ एक्सपीरियंस है विच अफेक्ट देयर अचीवमेंट इन टेस्ट बस यही बात है मतलब प्री टेस्ट में हमने कुछ ऐसा किया या फिर कुछ ऐसा ट्रीटमेंट उन्हें दिया या तो कुछ ऐसे बता दिया मतलब एग्जाम के बाद टेस्ट के बाद हमने उन्हें कुछ फीडबैक दिया जिसके से कुछ लिया और वो उन्हें कि अचीव किया यानी कि मान लीजिए थर्टी में से उनका ट्वेल्व था प्री टेस्ट में अब सीख गए अभी नाइनटीन हो गया नाइनटीन आउट ऑफ थर्टी ये जो इंप्रूवमेंट हुआ है कि किसके वजह से हुआ है ये हुआ है आपके प्री टेस्ट के एक्सपीरियंस की वजह से और इसको क्या कहते हैं टेस्टिंग इफेक्ट कहते हैं ठीक है वेरी गुड वेरी गुड हाँ हर प्रिया कह रहे प्री टेस्ट से मेमोराइज हो जाता है उसका इफेक्ट पोस्ट टेस्ट में दिखाई देता है बहुत अच्छे क्लियर आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन विच ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन प्रोवाइड द स्कोप टू मेजर द इफेक्ट ऑफ मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल ठीक है देखिए लिटिना जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको हम स्किप करते हैं ठीक है जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको स्किप करते हैं वो बस हम इसको हमारे भाषा में यानी हमारे लैंग्वेज में डिस्ट्रैक्टर्स कहते हैं डिस्ट्रैक्टर आपको पता होगा जब हम ऑप्शन चार क्रिएट करते हैं तो बाकी सारे ऑप्शन भी आपको इक्वल लगने चाहिए इसलिए हमने उसको बनाया था ऐसा कोई उसका इंपॉर्टेंट uh, डेफिनेशन नहीं है जब हमारा टाइम आएगा वो डिस्कशन करने का कर लेंगे ठीक है फिफ्टी क्वेश्चन है तो इसको जल्दी जल्दी जल से डिस्कस करेंगे डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा ठीक है तो चलिए uh, इसमें से कौन सा ये पूछ रहा है विच ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन प्रोवाइड द स्कोप फॉर मेजर ंग द इफेक्ट ऑफ मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल फैक्ट्रियल डिजाइन सोलोम फोर ग्रुप डिजाइन प्री टेस्ट पोस्टेस्ट कंट्रोल ग्रुप डिजाइनली जब हम एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंटल डिजाइन की बात करते हैं तो आपका प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन आ जाता है एक दूसरा आ जाता है आपका ट्रू एक्सपेरिमेंटल और एक आ जाता है क्वासी एक्सपेरिमेंटल ठीक है तीन आ जाता है उसमें जब ट्रू एक्सपेरिमेंटल सिंगल ग्रुप डिजाइन दिखाई देगा दिखाई दिखाई देगा factorial design देगा का control group भी देगा का भी पे लेकिन आंसर क्या हो क्यों क्योंकि देखिए फैक्ट्रियल डिजाइन में हम लोग क्या करते हैं बेसिकली हम वेरिएबल्स जो होते हैं टू इंटू टू फॉर्म में दो वेरिएबल को दो वेरिएबल के, तो के साथ मैच करते हैं या तो दो वेरिएबल को तीन वेरिएबल के साथ मैच करते हैं जैसे कि ए वन बी वन वैसे ए वन बी टू ठीक है ऐसे करके या तो मान लीजिए ए वन बी वन वैसे ए टू बी वन ऐसे करके हम कंपेयर कर सकते हैं और जिसको फैक्ट्रियल डिजाइन में ये होता है एंड इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ पे हम मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम मैच कर सकते हैं इन फैक्ट्रियल डिजाइन ठीक है क्लियर यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन भी हमने लिख दिया है थोड़ा सा देख लेंगे इसको चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो डिजाइन इज वन इन विच टू और मोर वेरिएबल और फैक्टर्स आर एम्प्लॉयड इन सच वे दैट ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ सिलेक्टेड वैल्यूज कॉम्बिनेशन मैंने जब, जैसे कि मैंने कहा था ए वन बी वन ऐसे कॉम्बिनेशन हम बना देते हैं सिलेक्टेड वैल्यू ऑफ ईच वेरिएबल आर यूज सभी वेरिएबल का हम यूज करते हैं इन द टू फैक्टर डिजाइन वी हैव टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल

16 क्वेश्चन पूछ रहे हैं इन विच वन ऑफ दिंग मेथडिंग मैथड है जहां पे यूनिट जो की हम सिलेक्ट करते हैं units, जो uh, होते है, वो मतलब इंटैक्ट ले जाता है, है इंडिविजुअली ना लेकर के हम ग्रुप में लेते हैं इसको क्या कहते हैं देखिए सभी का आंसर आया है वेरी गुड वेरी गुड कीप आंसरिंग चलिए yes, सभी का आंसर आ चुका है तो इसको मतलब ग्रुप की बात कर रहा है यहाँ पे ऑलरेडी आंसर दे ही चुका है ग्रुप कह दिया मतलब ये हो गया क्लस्टर सैंपलिंग क्योंकि यहाँ पे इंडिविजुअली नहीं कलेक्शन होता है क्लस्टर बनाते हैं हम यहाँ पे क्लस्टर यानी वी विल डिवाइड our पॉपुलेशन into some समस्टर एक क्लस्टर दूसरा क्लस्टर तीसरा क्लस्टर चौथा क्लस्टर ऐसे डिवाइड करेंगे एंड आउट ऑफ द क्लस्टर वी विल ट्राई टू सिलेक्ट द सैंपल्स

सारे पढ़ोगे तभी आपका आंसर माइंड में आएगा अदरवाइज यू लूज सम मार्क्स मार्क्सर ठीक है तो चलिए सभी का आंसर आ चुका है तो आंसर इज वेरी इजी क्योंकि ये डी ही होगा क्योंकि बाकी सब नल हाइपोथेसिस होते हैं क्योंकि कहा जाता है और रिसर्चर को ये अनबायस रखता है ये कैसे क्योंकि देखिए नल हाइपोथेसिस कह रहा है नो नो डिफरेंस रिलेशन अगर कहता कि यस देयर इज अ रिलेशन आई नो दैट दे हैव सम रिलेशन अगर ऐसा कहता तो बायस होता यहां पे बायस नहीं होता है क्योंकि वो कह रहा है कि नहीं है रिलेशन देन टेंटेटिव हाइपोथेसिस होता तो है नल हाइपोथेसिस जिसको हम टेस्ट करते हैं

विच रिसर्च मेथड ऐसा रिसर्च मेथड जो कि एक कॉजल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करेगा और वेरिएबल को कंट्रोल करेगा चाहे वो इंडिपेंडेंट मॉडरेटर डिपेंडेंट इन सभी के साथ वो रिलेशनशिप को कंट्रोल करेगा उसको हम क्या कहते हैं एक्सपोस्ट फैक्टो मेथड केस स्टडी मेथड एक्सपेरिमेंटल मेथड सर्वे मेथड क्या कहेंगे कौन सा वो डिजाइन है बहुत अच्छे यहां पे अगेन लिटिना चेक योर आंसर ठीक है जो लोगों ने क्लास किया है उन लोगों को अच्छे से पता होगा कि मैंने बार बार कहा था क्लास में जब कॉजल रिलेशनशिप देखना है कॉज एंड इफेक्ट वहां पे दो ही प्रकार के रिसर्च हो सकते हैं एक्सपेरिमेंटल एंड फैक्टर और जिसको हम कॉजल कंपेरिटिव कहते हैं लेकिन कंट्रोल ऑफ वेरिएबल तीनों के तीनों इंडिपेंडेंट मॉडरेटर डिपेंडेंट वो किसमें पॉसिबल है वो

फर्स्ट क्वेश्चन पे वहां पे एस्टीमेशन था वहां पे एक डिजायर वैल्यू था हम डिजायर करते थे हम ये सोचते थे चेतना म्यूट योर सेल्फ ठीक वहां पे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अच्छा ये होता तो सही होता अगर मेल बेटर होता फीमेल से तो अच्छा होता ये सोच के रिसर्चर बायस था लेकिन यहाँ पे पूछ रहे सीधा पूछ रहे डिफरेंस बिटवीन सैंपल साइंटिफिक एंड कॉरेस्पॉन्डिंग पैरामीटर सैंपल स्ट्रेटेजिक का उसी के रिलेटेड यानी उस वो जो सैंपल जिसको बिलोंग करता है जिस पॉपुलेशन को उसी का पैरामीटर अगर डिफरेंस आ रहा है तो उसको क्या कहेंगे क्या कहेंगे इसको स्टैंडर्ड एरर सैंपलिंग एरर सिस्टमेटिक एरर प्रोबेबल एरर ये तो एक डेफिनेशन ही है इटसेल्फ इज अ डेफिनेशन वेरी गुड ब्रज एंड बादल बहुत अच्छे तो आंसर हो जाएगा यहां पे आपका सैंपलिंग एरर ठीक है क्लियर सैंपलिंग एरर तभी होता है जब हमारा सैंपल गलत होता है हमारा सैंपल कैसे गलत हो गया क्योंकि आपने जब सैंपलिंग टेक्निक यूज किया था शायद आपने पैरामीटर के जगह यानी कि जो आपने प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में नॉन प्रोबेबिलिटी का भी कुछ ले लिया यानी कि आप अपने हिसाब से भी कुछ ले लिए मान लीजिए हम लोग गए थे वहां पे सिलेक्ट करने के लिए प्रोबेबिलिटी में लेकिन हमें स्टूडेंट जितने मिलने थे वो नहीं मिला तो आप क्या करोगे आप कन्वीनियंटली किसी को भी ले लोगे ठीक है इंसिडेंटली किसी को भी ले लोगे

उन्होंने जो डेटा कलेक्शन किया है उसमें लोगों का एक्सपीरियंस रिकॉर्ड हुआ है एंड उसके फीलिंग्स के बारे में भी लिखा गया है तो वो क्या होता है फील्ड नोट इंडक्टिव एनालिसिस एनालिसिस कलेक्शन डिस्कवरी ठीक है है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर ये गलत कर देते हैं सभी ठीक है ये नहीं करना है आपको बहुत अच्छे देखिए जिन लोगों ने आंसर दिया है बहुत अच्छे ईशानी लिप्सा सुभाषिनी तृप्ति एलिजा जीता प्रतिमा संतोष सलीजा ब्रज बादल मिताली बहुत अच्छे तो देखिए यहाँ पे आंसर होगा आर्टिफैक्ट कलेक्शन क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या रहा है नॉन इंटरक्टिव स्ट्रैटेजी देखिए फील्ड नोट अगर कलेक्ट करते इंडक्टिव एनालिसिस एनालिसिस करते करते डिस्कवरी तो नहीं होता इंटरेक्शन मतलब जब उनके साथ बात करोगे उनसे कुछ डेटा कलेक्शन करोगे या तो फिर उनको कुछ लिखने के लिए या फिर ड्रॉइंग करने के लिए कुछ तो देते इंटरेक्शन तो करना पड़ता लेकिन आर्टिफैक्ट से क्या होता है कि ये आपको वो सारे चीजें बताता है यानी कुछ उनके यूनिक जैसे कहते हैं ना कि ये एंटिक चीजें होते हैं उनके अः uh, यूज किए गए चीजों से आपको बहुत कुछ मिल जाता है यानी कि जब आप बात करते हो आर्टिफैक्ट की तो वहां पे आपको आ, मतलब क्या कहते हैं वो सारे चीजें मिल जाएंगे जो वो नहीं भी बोल सकते हैं ठीक है तो बेसिकली डीज आर यूज्ड बाय बाई पीपल अराउंड ठीक है तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप आर्टिफेक्ट कलेक्ट करते हो जैसे कि मान लीजिए हरप्पा मोहनजींद के टाइम में उनका जो गोल्डन आई मीन जो यूज करते थे ऑर्नामेंट्स वगैरह उनसे हमें कुछ पता चलता था कि अच्छा उनका ड्रेसअप स्टाइल उनको मतलब ये सब पहनते थे वो ये लगाते थे ये पहनते थे ठीक है तो इससे हमें क्या मिल जाता है उनका नजरिया उनका फीलिंग उनके लाइफ के बारे में पता चल जाता है क्लियर ये सिंपल था लेकिन फिर भी आप याद रखिएगा आर्टिफैक्ट के बारे में तो इंपॉर्टेंट एक अनाउंसमेंट है कि अभी हमारा एडमिशन ऑलरेडी चल रहा है ठीक दे है तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी पे द मीन एंड स्टैंडर्ड सेट स्कोर्स आर फोर्टी एंड फाइव रेस्पेक्टिवली यहाँ से थोड़ा सा पेन पेपर लेके बैठिए ठीक है स्ट्रेटिस्टिक्स अभी थोड़ा सा करना बाकी है

रॉ स्कोर हर एक स्कोर में हम पांच घटाएंगे डिविएशन रिमेंस अनचेंज एंड मीन विल बी सब्रैक्टेड फाइव ओके डिवीज़न इंटेक्ट रहेगा ओके okay, ठीक है संतोष कह रहे हैं और सुष्मिता कह रहे हैं मीन चेंजेस व्हेन वी ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई एंड डिवीजन अच्छा मीन चेंज हो जाता है हमेशा डिवीजन डज नॉट अफेक्ट विद एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बहुत अच्छी जीता

भरोसे लायक एक ही चीज है वो है मीन और मीन इसलिए क्योंकि आपका मीडियन वही सेम रहेगा चाहे आप कोई भी नंबर चेंज चेंज कर कर दो दो 23 था उसको 25 रॉस को। कोई चेंज नहीं होगा मीडियन में मैंने ये सब एक्सप्लेन किया है हमारे क्लास में तो मोड में भी चेंज नहीं आएगा लेकिन मीन में चेंज आएगा सो so, मीन जो है मीन हमेशा चेंज होगा बट स्टैंडर्ड डेविएशन जो डेविएशन उनके बीच में जो डेविएशन डिफरेंस ठीक है दूरी जो है जो गैप है वो कभी चेंज नहीं होगा अगर हम दो चीजें करते हैं एक क्या है एडिशन एक है सब्ट्रैक्शन जब हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करते हैं तो कोई चेंज नहीं होगा नो चेंज ठीक है नो चेंज अगर हम मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन करते तो चेंज होता है इसके पीछे का कारण भी बता देता हूं देखिए अगर आप ऐड करते हो कितना भी आप ऐड करोगे तो क्या आपका जो मीन चेंज होगा मतलब मान लीजिए अभी तो वही एग्जाम्पल लेते हैं 23 22 एंड 20 इसी का एग्जाम्पल लेते हैं डिवाइडेड बाय 3 इसका मतलब मीन निकल आता है इसमें से ठीक है तो कितना हो जाता है मान लीजिए यहाँ पे 65 आ जाता है ठीक है 65 इफ आई एम नॉट रॉंग देन डिवाइडेड बाय 3 तो कितना आ जाएगा अराउंड 20 1 पॉइंट समथिंग ठीक है मैं इसको कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ हूं 33 समथिंग आएगा आई होप सो ठीक है तो यहाँ पे 21. वन पॉइंट समथिंग मैंने कैलकुलेट नहीं किया ठीक है तो इसका मतलब है अगर यहाँ पे 21 को मैं 30 बना दू तो मीन में चेंज आएगा स्टैंडर्ड डिविजन में चेंज नहीं आएगा इसका मतलब है ये प्लस माइनस से कुछ नहीं होता अगर मल्टीप्लाई करता अगर मल्टीप्लाई करता अगर इसमें मल्टीप्लाई करता तो डिफरेंस आता डिवाइड करता तो डिफरेंस आता तो इसका मतलब है मीन विल नॉट मीन विल चेंज

और 10 है आपका स्टैंडर्ड डिविशन इफ ईच रॉस स्कोर इज मल्टीप्लाइड बाय थ्री सभी रॉस स्कोर मान लीजिए अभी हमारा एक रॉस स्कोर मान लीजिए था रॉ स्कोर दिया गया था आपका uh, 18, इसको अब जब हम थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 54, ठीक है तो 54 हो गया ये तो बहुत ज्यादा चेंज हो गया इसलिए यहां पे चेंज होगा यहां पे और और मल्टीप्लाई अगर करते हैं तीन से तो नया मीन स्टैंडर्ड क्या चुका है ठीक है अभी मैंने बता दिया एक्सप्लेनेशन में अभी इसको फिर से नहीं बता रहा हूं थर्टी हो जाएगा क्योंकि सभी मल्टीप्लाई इंटू थ्री किया जाएगा ठीक है फिफ्टी को भी मल्टीप्लाई इंटू थ्री करा जाएगा और Uh, मतलब मीन को भी 50 में uh, 30 में 3 में मल्टीप्लाई किया गया मीन इज 50 सो मीन मीन विल बी 150 एंड वैसे स्टैंडर्ड डिविजन था 10 उसके हिसाब से 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 हो जाएगा क्लियर आगे बढ़ते हैं इफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कोर ऑप्टेंड बाय अ ग्रुप ऑफ एग्जामिनीज एग्जामिनीजिवली नेगेटिव पॉजिटिव स्क्यूडनेस मैंने बार बार पढ़ा है और आपको समझाया भी है कि कैसे याद रखना है तो ये आंसर आप कर सकते हो। इनमें से कौन सा false है? याद रखिएगा। नहीं पूछ कि कौन सा सही है तो एक्सामिन पासिंग कॉट ऑफ स्कोर ऑफ द टेस्ट एवरेज डिफिकल्टी लेवल ऑफ than लो मीन स्कोर ऑफ द was स्कोर मोडल वैल्यू mean लेस more बट मोर देन ये आंसर बताइए चलिए जो लोग भी क्लास ज्वाइन करते हो काइंडली म्यूट कीजिएगा म्यूट यस तो चलिए देखिए यहाँ पे फिर से मिक्स्ड आ रहा है प्रतिमा मिक्स्ड uh, मिक्सपॉन्स आ रहा है तो चलिए देखते हैं इसका क्या है? जल्द जल्द आंसर है चलिए जल्दी जल्दी आंसर कीजिए बहुत अच्छे सलीजा सरस्वती तृप्तिमयी तिक्किना बहुत अच्छे सोनी ब्रश किशोर वेरी गुड वेरी गुड किशोर अनिल वर्षा एलिजा बहुत अच्छे तो चलते हैं इसका सही आंसर देखते हैं इसका सही आंसर डी है, है जिन लोगों ने भी बी आंसर किया है वो नहीं होगा क्योंकि अभी मैंने कहा कि ये मत पढ़िए कि यहां पे क्या ट्रू बता रहा है यहां पे बोल रहा है 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 फॉल्स होगा नेगेटिव नेगेटिव मतलब मतलब क्या क्यू देखिए कब होता है? जब बहुत सारे स्टूडेंट अच्छा स्कोर कर लेते हैं मान लीजिए मैं सिंपल सिंपल क्वेश्चन दूंगा कि हु इज द फादर ऑफ एक्शन रिसर्च ऑफ एक्शन रिसर्च ठीक है फाउंडर ऑफ मान लीजिए एनोवा अगर ये पूछता तो बहुत सारे हम मतलब आप जो स्टूडेंट्स जितने भी हो उनमें से सभी बहुत अच्छा स्कोर कर देते हैं ठीक है इसका मतलब है डिफिकल्टी लेवल कम था इसलिए आप सभी ने अच्छा स्कोर कर दिया था दैट मीन्स द टेस्ट इज नॉट गुड लेकिन यहाँ पे सब ये सब सही था ठीक है सभी ने कट ऑफ था मान लीजिए फिफ्टी क्वेश्चन मैंने दिया और कट ऑफ था फोर्टी सभी ने फोर्टी क्रॉस कर लिया यानी बहुत ईजी था लो लो था, statistical level था और ठीक मतलब है? है, मतलब बहुत ज्यादा लेकिन negative skew में ये नहीं होता है कि modal value was less than mean. Modal value कभी mean से कम नहीं होता होता है, है, ये गलत में ठीक है क्लियर आगे बढ़ते हैं ये हमने पढ़ाया है क्लास में अच्छे से आपने अगर ऑब्जर्व किया होगा तो सही आंसर आपने किया होगा सभी स्टूडेंट ने किया है एक दो को छोड़ के ठीक है आगे बढ़ते हैं स्क्यूड Curf obtained after testing student, the correct inference about the difficulty of the test would be. yahan pe correct puch raha hai yani kaun sa sahi hai The test was easy, the test was difficult, test was neither easy nor difficult. No inference about the difficulty of the test can be made. ये पूछ रहा है कि difficult था या नहीं था, वो बताइएगा, ठीक है? Modal value मिला ली, वो होता है mode, mode, जिसको हम mode कहते हैं ना, mean, median, mode, mode का जो value होता है, उसको हम modal value कहते हैं। ठीक है मोड होता है जो सबसे ज्यादा टाइम रिपीट होता है या फिर सबसे बड़ा नंबर जिसको हम कहते हैं वेरी गुड बादल जीता सस्मिता वेरी गुड सुरेखा ओके okay. अभी तो मैंने कहा बादल अब भी मैंने कहा कि क्या होता है पॉजिटिव और क्या होता है नेगेटिव फिर से ये गलत आंसर आ रहा है सुरेखा प्रतिमा सन्यासी वर्षा ईशानी किशोर

सलीजा ब्रश किशोर संतोषी सत्यरंजन बहुत अच्छे देखिए आप आपको अभी मैंने कहा कि जब नेगेटिविस्व होता है तब इजी हो जाता है इसलिए सभी दरिया पार कर लेते हैं यानी अच्छा मार्क्स ला देते हैं जैसे पिछले बार का जो एग्जाम हुआ था एसएसबी का सभी ने कहा सर इतना इजी क्वेश्चन था इसलिए सभी ने क्रैक कर लिया ठीक है तो उसमें वो नेगेटिवलिस क्यूड था इसलिए तो आप बहुत नेगेटिव हो रहे हो पॉजिटिव क्यों होता ना तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन लेवल डिफिकल्ट है इसलिए पॉजिटिव क्यों मतलब एक तगड़ा क्वेश्चन दिया गया है। चलो इससे डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं कि अच्छे स्टूडेंट्स कौन आ रहे हैं कौन कौन अच्छे स्टूडेंट हैं जिन्होंने फंडा क्लियर किया है जैसे कि हमारे क्लास में हम करते हैं फंडा क्लियर करना बेसिक से पढ़ना और टॉप तक जाना यानी डिफिकल्टी लेवल तक जाना तभी आप हर क्वेश्चन कर सकते हो अगर मैं आपको पूछूं जे इंडिया गॉट इट्स इंडिपेंडेंस ऑन कब किया गया 1946, 47, 48, 49 आप आंसर नहीं कर सकते हो मैंने बता दिया कि 1947 में हुआ था ये मैंने बता दिया तो अगर एग्जाम में आता है कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल क्या है या फिर यह पूछा जाता है हाउ डिड इंडिया गॉट इट्स इंडिपेंडेंस अगर पूछा जाता है तो आप आंसर नहीं कर सकते क्यों क्योंकि यू यू फोकस ओनली ऑन द आंसर आप डीप तक नहीं गए आपको फंडा नहीं आता है आपने सिर्फ याद किया हुआ है ये पढ़ाई वहां पे नहीं चलेगा ठीक है इसलिए हमारे क्लास में हम हमेशा कोशिश करते हैं कि पूरा फंडा क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आ जाए फिर फिर क्वेश्चन करो को अच्छे से पढ़ो फिर से रिवाइज करो उसके बाद आपको कोई हरा नहीं सकता है आपका फंडा क्लियर हो जाएगा तो ये जिंदगी भर याद रहेगा ठीक है Forever. तो इसलिए मैंने कहा पॉजिटिव मतलब डिफिकल्ट पॉजिटिव कब होता है हाँ मैंने अच्छा आप में पॉजिटिव वाइफ कब आता है कि चलो मैंने कुछ अच्छा किया है मैंने अच्छा क्वेश्चन सेट किया है इसलिए सभी के लिए ये अच्छा लगा ठीक है अगर ये मैं कहता कि नहीं बहुत इजी क्वेश्चन था मैंने तो सब कुछ आंसर कर दिया जैसे तुक्का लगाते हैं हंड्रेड में से हंड्रेड क्वेश्चन तुक्का लगाते हैं वो होता है, जब है मतलग, अच्छे कर जाएंगे, जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं है, उनको जॉब मिलेगा जो अच्छे स्टूडेंट नहीं है उनको जॉब नहीं मिलेगा ठीक है इसका मतलब पॉजिटिव स्क्यू ही होता है कि ये डिफिकल्ट था क्लियर आगे बढ़ते हैं ट्वेंटी थ्री दिया गया है उसका टी स्कोर क्या होगा सिंपल है मुझे बताइए आंसर क्या होगा सेवन सिक्सटी फिफ्टी ये बताइए जीता ऑलरेडी शायद टाइप करके रखे थे इसलिए सीधा भेज दिया कि टी इज इक्वल टू टेन से जोस्नामयी टिकीना ईशानी सन्यासी मानसी तृप्ति बहुत अच्छे सभी का आंसर आ चुका है बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे इतना जल्दी आ रहा है आंसर की मैं बोल ही नहीं पा रहा हूँ इतना सारा नाम ठीक है तो चलिए सभी का आंसर आ चुका है वही तो टी का टी इज इक्वल टू कितना होता है 10Z, 10Z so, so, क्वेश्चन so, right so, ऑलरेडी आ चुका है ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कि डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो ठीक है तो चलिए ओके नेक्स्ट तो चलेंगे ट्वेंटी सिक्स पर डिस्ट्रीब्यूशन uh, यस

ईशानी बादल सन्यासी संस्मिता ब्रजकिशोर जीता सत्यरंजन सोनी किशोर टिकिना तृप्ति अनिल क्योंकि ए भी आंसर कर रहा है अगेन वही बात देखिए जो लो स्कोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट था लेकिन ये नेगेटिव स्क्यू किस लिए हुआ क्योंकि देखिए नेगेटिव स्क्यू क्या होता है कि बहुत इजी था क्वेश्चन अगर बहुत इजी था तभी कुछ स्टूडेंट्स लो स्कोर कर रहे हैं बाकी सब अच्छा किए हैं ठीक है समझ सकते हो ना कुछ स्टूडेंट्स उन्होंने लो स्कोर किया है बाकी सब ने अच्छा किया है सब ने अच्छा किया मतलब ये इजी था ठीक है ओनली फ्यू स्टूडेंट ऑप्टेन लो स्कोर बाकी सभी ने सही आंसर किया सभी जैसे कि अभी मान लीजिए जैसे कि बहुत इजी अगर कर देंगे बोर्ड एग्जाम को तो सभी सही आंसर करके आगे चले जाएंगे सभी का 90 परसेंट लेकिन आप लोग मान लीजिए आप जब टेंथ किए थे उस टाइम में 60 टू 70 परसेंट रखना या फिर 80 परसेंट तो सपना होता था 90 परसेंट अगर रखे हो तो आप मान लीजिए अपने आप में ही बहुत महान हो ठीक है नाइन्टी परसेंट अगर सिक्सटी प्लस जाता है यानी फर्स्ट क्लास टू यू आर वेरी गुड स्टूडेंट से 90 चला जाता है तो टैलेंटेड स्टूडेंट नाइन्टी के ऊपर जाता है तो गिफ्टेड स्टूडेंट तो अगर वेरी इजी बना दे तो कोई भी मतलब मुंह उठा के चलाएगा जिसका भी देखो 80% 85 89 91 94 इसका मतलब क्या हो गया आजकल एग्जाम बहुत इजी हो गया है ये नेगेटिवली स्क्यूड होता है क्लियर है अब गलती मत करना ये एग्जाम में नहीं तो इतना पढ़ाई करने के बाद जब ये गलती करोगे ना तो कोशोगे अपने आप को और मुझे भी चलिए क्वेश्चन नंबर 27 अ टेस्ट वाज गिवन टू 4 50 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 एंड अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कोर वाज ऑप्टेड नॉर्मल स्कोर स्कोर ही आया है है यानी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड स्टूडेंट्स का मीन मीन तो कितना दे दिया इसमें थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे ठीक है पेन पेपर लेके तो यहाँ पे मीन है स्टैंडर्ड डी कितना मैंने आपको कहा था कि एक कैलकुलेशन होता है हाँ, एक चीज इससे पहले मैं बता दू इस तरह के क्वेश्चन नहीं आएंगे 99% चांसेस है नहीं आएंगे लेकिन एक परसेंट चास्स है आप लोगों को मैंने कहा था कि एक कुछ एप्लीकेशंस होते हैं एनपीसी के नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कॉफ के कुछ uh, मतलब एप्लीकेशंस uh, होते हैं तीन प्रकार के एप्लीकेशन बेसिकली होते हैं एक होता है अबव द लिमिट अब और एक होता है बिलो द लिमिट एंड और एक होता है बिटवीन टू स्कोर्स

बताते चलिए x का मतलब होता है रॉस कोर शॉर्ट में लिख रहा हूं रॉस कोर जो रॉस कोर दिया गया m इक्वल टू मीन स्टैंडर्ड डिवीजन ठीक है तो हमारे पास रॉस कोर दो थे दो के बीच में देखना था 40 एंड 55 40 58 के बीच में तो हमारा मीन दिया गया है 49 ठीक है तो यहां पे मैंने क्या कर दिया यहां पे

इस दोनों के बीच का आउटसाइड यानी कि यहां पे आ गया आपका 34.13 एंड प्लस 34.13 दोनों को अगर मिलागी कितना हो जाता है आपका अराउंड 64 आई uh, मीन I mean 68 आ जाता है ठीक है 68 आ जाता है इसके आउटसाइड यानी कि 100 टोटल एरिया अराउंड 100 है एक्जैक्टली exactly 100 नहीं है यहाँ पे भी लिखा गया 99.72 नाइन यहाँ पे भी एग्जैक्ट नहीं है मैं बस कैलकुलेट करने के लिए 68 ले रहा हूं अगर इसको 68 माइनस करते हैं तो कितना आ जाता है 32 clear. 32 क्लियर क्लियर आ जाता है clear है परसेंट ऑफ स्टूडेंट कितने रहेंगे 100 परसेंट में से 32 परसेंट अराउंड 42 परसेंट बाहर रहेंगे ठीक है आउटसाइड द लिमिट ये क्लियर है आप लोगों को क्लियर है अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ परसेंटेज पूछता आई मीन स्टूडेंट पूछता हाउ मेनी स्टूडेंट वो मुझे बताइए कितने स्टूडेंट आएंगे यहाँ पे तो परसेंटेज पूछा था परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट पूछा था लेकिन आप पूछेंगे हाउ मेनी स्टूडेंट अगर पूछता तो क्या करते दूसरा मैं कह रहे फिर से ठीक है चलिए फिर से वहीं पे चलते हैं हमें दिया गया है हमें जेड निकालना आता है यानी स्टैंडर्ड स्कोर निकालना है रॉ स्कोर दिया गया है फोर्टी एंड फिफ्टी एट मीन दिया गया है आपका फोर्टी नाइन एच आपका नाइन तो हम क्या करेंगे फोर्टी माइनस फोर्टी नाइन जो इस फॉर्मूले के हिसाब से आपका रॉ स्कोर है फोर्टी माइनस करेंगे हम मीन से तो माइनस नाइन आ जाता है डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन स्टैंडर्ड डिविएशन है नौ का माइनस डिवाइडेड बाय नाइन तो ये आ जाएगा वन

कि सर हमारे लोगों का मैथ्स इतना अच्छा नहीं है देखिए किसी का भी इतना अच्छा नहीं है थर्टी टू परसेंटेज मतलब परसेंटेज परसेंट प्रति सेंट सेंट का मतलब हंड्रेड प्रति हंड्रेड में बत्तीस ऑफ पूछ रहा है मतलब मल्टीप्लाई इंटू फोर फिफ्टी ठीक है तो यहाँ पे आप काट सकते हो यहाँ पे इसको भी अगर काट देते हो तो आपको पता है जीरो अगर कन्वर्ट करते हो तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा तो फोर्टी फाइव इंटू थ्री पॉइंट टू तो 3.2 यानी 45 मल्टीप्लाई इनटू 3 यानी कि अराउंड 135 रिलेटेड एंड पॉइंट अगर कैलकुलेट करते हो तो उसी के हिसाब से 35 के साथ आ जाएंगे वेरी गुड संतोष ठीक है तो आ जाएगा आपका एग्जैक्टली exactly 144 ठीक है ये क्लियर हो गया सभी को एक बार ये कैलकुलेशन क्लियर हो जाए तो मुझे बता दीजिए इफ इट इज क्लियर इफ इट इज अंडरस्टूड इजी था या डिफिकल्ट इजी था तो बता दीजिए एक बार ठीक है ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे इससे ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे क्योंकि इतना टाइम नहीं देगा वो सॉल्व करने के लिए ठीक है बेसिक सा मैंने समझा दिया आप लोग कर सकते हो इसके आगे एनपीसी का जो भी आएगा तो इसको हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे आपको अभी मैंने एक बार बता दिया जाए तो आप कर सकते हो तो देखिए यहाँ पे जो स्क्रीन पे लगा हुआ है ये जो स्कोर सभी के पास है यस मिताली हाँ तो यहाँ पे जो स्कोर मैंने यहाँ पे लगाया है ये क्या है आप सभी को पता है कि ये स्टैंडर्ड स्कोर है यहाँ पे देखिए वन का वैल्यू है थ्री फोर वन थ्री टू का वैल्यू देखिए फोर सेवन सेवन टू थ्री का वैल्यू देखिए फोर नाइन एट सिक्स वैसे अगर पूछा जाता है आपको वन पॉइंट जीरो से मान लीजिए वन पॉइंट जीरो सिक्स तो वन पॉइंट जीरो सिक्स यानी वन का वैल्यू इतना आता है वन पॉइंट जीरो सिक्स का वैल्यू थ्री फाइव फाइव फोर आता है ये मैंने इसलिए लगाया है फॉर अ रेफरेंस फॉर योर रेफरेंस कि आप इसे यूज कर सकते हो लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको ये जरूरत पड़ेगी एग्जाम सेंटर में ठीक है चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं इन अर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कोर्स द परसेंटेज रैंक ऑफ अ स्टूडेंट स्कोरिंग ठीक है यहाँ पे यहाँ पे ए हमने लगा दिया है एक्स्ट्रा है यहाँ पे ए नहीं है यहाँ पे ठीक है ऑफ स्टूडेंट्स स्कोरिंग माइनस वन जेड माइनस वन जेड पे जो स्टूडेंट्स होंगे उनका परसेंटेज रैंक कितना आएगा ठीक है सिक्सटीन थर्टी फोर एंड सिक्सटी ये बताइए बहुत अच्छे सभी का आंसर आ चुका है बहुत अच्छे सस्मिता जीता प्रतिमा संतोष वेरी गुड वेरी गुड सभी आंसर करते चलिए बहुत अच्छे एलिजा तृप्तिमयी सोनी बहुत अच्छे सभी का आंसर आ चुका है देखिए आंसर इज सिक्सटीन हाँ तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको कैसे देखिए जो माइनस वन जेड वन जेड यानी माइनस वन स्टैंडर्ड का आपको पता है कि जो वैल्यू है वो कितना है माइनस स्टैंडर्ड वन का कितना वैल्यू है वैल्यू कितना है अभी मैंने कहा थर्टी फोर पॉइंट अराउंड थर्टी फोर ठीक है टोटल आपको पता है कि एनपीसी में जो दो पार्ट होते हैं या फिर जिसको हम कहते हैं कि इट इज सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड यानी इधर आएगा फिफ्टी इधर आएगा फिफ्टी तो माइनस मतलब इधर है माइनस वन स्टैंडर्ड यहाँ पे है. तो ये पूछ रहा है कि इसका जो परसेंटाइल क्या होगा कि यहाँ पे देखिए फिफ्टी है टोटल एरिया 50% है 50 है माइनस यहां पे फर्स्ट माइनस वन स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 34.13 दोनों को डिडक्ट करेंगे तो अराउंड आ जाएगा 16 ठीक है तो 16 यानी कि इसको अगर हम घटा दें इनमें से तो बाकी रह जाता है आपका 16 तो यहां पे आंसर हो जाएगा परसेंटाइल रैंक इज योर 16 ठीक है, है ये अगेन का एप्लीकेशन जो मैंने बताया अभी कि पूछ रहा है, वहां पे पूछ रहा था अब अब पूछ रहा है 252, 204, 184, 48. ये कैसे निकालते हैं? फिर से हम चलेंगे वही एमसीक्यू पे वही सेट पे यहाँ पे थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे देखिए अगेन वही बात है above 48 पूछ रहा है above 48 ना ठीक है तो above 48 यहाँ पे सब कुछ दिया गया है above 48 पूछ रहा है above 48 में हम हमेशा क्या करते हैं पहले जब हम above करते हैं तो याद रखिएगा जब हम above द केसेस लेते हैं above द केसेस में हम पहले क्या करते हैं यस वेरी गुड above द केसेस में हम क्या करते हैं जो रॉ स्कोर है 40 का 48 उसमें हम ऐड करते हैं 0.5 ठीक है जीरो पॉइंट फाइव एड करेंगे तो कितना हो गया फोर्टी एट पॉइंट फाइव ठीक अब देखिए हमारा मीन कितना दिया गया था सिक्सटी एंड सैंडिविजन इज ट्वेल्व वही uh, मतलब फॉर्मूला लागू होगा वही वाला x माइनस एम डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड ठीक है तो 48.5 है स्कोर माइनस m कितना था हमारा 60 था ठीक है डिवाइडेड बाय 12 था यही ना 60 एंड 12 तो देखिए इसको हम अगर डिवाइड करते हैं माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा अराउंड कितना आ जाएगा वही मतलब लगभग वही यहाँ पे इलेवन uh, है बाई तो अराउंड आप अगर दोनों को uh, देखो तो अराउंड यहाँ पे सिक्सटी uh, है ना यहाँ पे यहाँ पे सिक्सटी है तो सिक्सटी में कितना आ गया यहाँ पे सिक्सटी और भी है यहाँ पे फोर्टी एट पॉइंट फाइव था यहाँ पे

जीरो पॉइंट थ्री फोर वन थ्री और आप ये कह सकते हो जब हम फाइव हंड्रेड से फिर से यानी फिफ्टी परसेंट से हम जब थर्टी फोर थ्री सब करते हैं तो कितना आ जाएगा आपका नियरली फोर्टीन पॉइंट फोर सिक्स अराउंड आ जाएगा आपका ठीक है फोर्टीन पॉइंट समथिंग आ जाएगा या फिर 15. Something आ जाएगा मान लीजिए फिफ्टीन पॉइंट समथिंग तो अब हम इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे परसेंटेज ऑफ फिफ्टीन परसेंट यानी कि हम क्या करेंगे 15%, किसका ठीक करें? हाँ। है क्लियर हो रहा है अच्छा वर्षा क्या रहे हैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है देखिए वर्षा इसके लिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा ये हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं कॉन्सेप्ट में अगर में कुछ गलत होता है या फिर आपको समझ में नहीं आता है सो राइट इट इन आवर व्हाट्सएप ठीक है व्हाट्सएप पे ग्रुप पे लिखिए जो भी डाउट्स होंगे मैंने कहा था उसको एक क्लास लेंगे डाउट क्लियरिंग सेशन उसमें हम सब कुछ डिस्कस करेंगे ठीक है तो विल कीप क्वेश्चंस अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं फिर से

हमेशा हम जब परसेंटेज लेते हैं तब ऊपर का, है, का नहीं पता है यानी अब का नहीं पता है उसमें ज्यादा हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं इट इज द द स्कोर ठीक है स्कोर लेकिन बिलो हम हमेशा लेते हैं इसलिए हमेशा याद रखिए एट्टी फोर मतलब एट्टी फोर परसेंट स्कोर आ, आर बिलो द स्कोर यानी एट्टी फोर परसेंट बिलो है ये एट्टी फोर पे अटका हुआ है ठीक है आगे बढ़ेंगे देखिए उससे पहले एक अनाउंसमेंट फिर से हम कर ऑफर चल रहा है आप लोगों का और पीजीटी में पीजीटी में और लेक्चरर वन ट्रिपल नाइन में ही चल रहा है जो लोग अपना ज्वाइन करना चाहते हैं व्हाट्सअप नंबर और हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए फटाफट से ऐसे ही एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए और सारे के सारे क्लासेज ज्वाइन करने के लिए लाइव क्लासेस होते हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे द नाइनटी कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर अ गिवन मेन पॉपुलेशन लाइज

बहुत अच्छे तो ये आंसर है आपका एम प्लस माइनस वन पॉइंट नाइन सिक्स स्टैंडर्ड डिविशन अगर 99 नाइन परसेंट पूछता तो कितना होता बताइए अगर नाइनटी नाइन परसेंट कॉन्फिडेंस पूछता तो कितना होता वेरी गुड अनिल वेरी गुड प्रतिमा ईशानी जीता सस्मिता तृप्ति एलिजा तृप्तिमयी सुरेखा बहुत अच्छे किशोर बहुत अच्छे बहुत अच्छे सभी का आंसर आ चुका है सभी ने कहा अगर 99% कॉन्फिडेंस होता तो 2.58 स्टैंडर्ड में आ जाता क्योंकि जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जितना बढ़ता है उतना आपका जो स्टैंडर्ड वैल्यू है वो भी बढ़ जाएगा बहुत अच्छे चलते हैं आगे 32. गिवन गिवन मीन 100 मीन दिया गया 100 स्टैंडर्ड डिविशन इज 220 ट्वेंटी एन इज इक्वल टू हंड्रेड विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी करेक्ट स्टेटमेंट फॉर इंडिकेटिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन मीन एट जीरो पॉइंट वन लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस ये कौन सा लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आपका एक्सपेक्ट uh, किया जा सकता है या फिर करेक्ट है इनमें से ठीक है पॉपुलेशन मीन फॉल्स Population mean falls between 96.08 to 103.9. Population mean falls between, between 97.2 To 102. Mean falls to ये से कौन सा सही होगा ठीक है पॉपुलेशन मीन की बात करें जीरो पॉइंट वन लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस वही पहले वाली बात ठीक है इसमें कुछ ज्यादा नहीं है ठीक है यस yes, जीता वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड देखिए मैं आंसर अभी स्लो होने चले हैं एलिजा बहुत अच्छे आंसर स्लो होने चले हैं अब मैं थोड़ा सा इसको क्लैरिफाई कर देता हूं ठीक है यहीं पे कर देता हूं फिर देखिए यहां पे वही <coughs> मैंने क्या कहा था जीरो पॉइंट जीरो वन लेवल पे कौन सा आ, आपका लागू होगा एम प्लस माइनस टू स्टैंडर्ड ठीक है पे मैंने क्या कहा था 95 फाइव परसेंटेज में कौन सा आता है 1.96 और 99 में M प्लस माइनस ये मैंने अभी कहा था तो यहां पे भी वही लागू होगा तो यहाँ पे आपका जो स्कोर है उसको यहां पे सिर्फ पुट करना है कुछ नहीं करना है आपको बस थोड़ा सा फॉर्मूला याद रखना है अब आपका आपका स्कोर क्या क्या दिया गया है मीन स्कोर हंड्रेड प्लस टू पॉइंट फाइव एट स्टैंडर्ड डिविजन कितना है मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें ट्वेंटी ठीक है बस इसी को आपको सॉल्व करना है और कुछ नहीं ठीक है तो पॉपुलेशन मीन निकल के आ जाएगा इस दोनों के अंदर प्लस माइनस है ना तो यहाँ पे एम प्लस माइनस है मतलब हंड्रेड प्लस टू पॉइंट फाइव ईट स्टैंडर्ड डिविशन दूसरा माइनस है यानी हंड्रेड माइनस टू पॉइंट फाइव आपका ट्वेंटी यहाँ पे एक स्कोर निकल के आएगा प्लस में और एक निकल के आएगा माइनस में तो दो इन दोनों के बीच में आएंगे 94.8 एंड 105.2 मैं ये आपको बता दिया कैसे करना है आप इसको कैलकुलेट कीजिए और आपका आंसर यही निकल के आ जाएगा क्लियर है यहां तक अगर क्लियर है स्टैटिस्टिक्स समझ में आ रहा है थोड़ा सा इजी लग रहा है तो जरूर मुझे बताइए कॉमेंट में बताइए लाइक शेयर तो जरूर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को दोस्तों के साथ पहुंचाइए क्योंकि जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं बहुतों तो को नहीं पता है कि कौन सा एक अच्छा क्लास चल रहा है कहाँ पे हमें सब कुछ मिल सकता है नोट्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे रिकॉर्डिंग होता है कि नहीं होता है या सिर्फ बाकी प्लेटफॉर्म की तरह जैसे हम लोग डालते हैं ना वो रिकॉर्डिंग क्लास डाल देते हैं लाइव क्लास होता ही नहीं है इंटरेक्शन होता ही नहीं है नहीं ठीक है शेयर इट विथ ऑल योर फ्रेंड्स प्रिपेयरिंग फॉर इट सो दैट दे वुड नो कि कहीं चलो लाइव क्लास हो रहा है सारा का सारा सिलेबस चाहे थोड़ा थोड़ा हम पढ़ाई कर रहे हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए लेकिन लाइव क्लास होगा डिस्कशन होगा मैटी सारे आपको मिलेंगे चाहे वो पीडीएफ हो चाहे वो मैटी आपके वीडियो हो रिकॉर्डेड वीडियो सब कुछ आपको मिलेगा इसी में ठीक है इफ इट इज क्लियर लिखिए एक बार कॉमेंट में कि यस इट इज क्लियर आगे बढ़ेंगे मानसी भी कह रहे हैं सर थोड़ा सा स्टेटिस्टिक्स में प्रॉब्लम हो रहा है मानसी प्रॉब्लम होगा थोड़ा थोड़ा लेकिन मैंने इसको और भी इजी किया देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि जीरो पॉइंट जीरो से चलिए जैसे मैथमेटिक्स करते तो वहां पे देखिए क्या बताया था मैंने इनका जो फिडिशरी लिमिट मैंने क्या बताया था एम प्लस माइनस टू पॉइंट फाइव एट इन स्टैंडर्ड डिविजन ये फॉर्मूला बस याद रखिए अभी यहाँ पे मैंने उसी को लिख दिया प्लस माइनस है मतलब दो पॉसिबिलिटीज है प्लस का भी होगा माइनस का भी होगा एम कितना दिया गया है मीन हंड्रेड हंड्रेड प्लस टू पॉइंट फाइव एट क्या है ऑलरेडी इंटू ये क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन है दिया गया ट्वेंटी मल्टीप्लाई कीजिए इसका बस कैलकुलेट करना है आपको और आपको बॉडमास रूल पता है ठीक है बॉडमास रूल के हिसाब से करना है ऐसा नहीं है कि प्लस आगे कर देंगे ठीक है जो बॉडमास रूल के हिसाब से आप करोगे देन हंड्रेड माइनस टू पॉइंट फाइव एट इंटू ट्वेंटी यानी कि यहाँ पे हंड्रेड भी कैलकुलेट करना है फिर माइनस क्योंकि यहाँ पे प्लस किया था आपने यहाँ पे माइनस करोगे इसका स्कोर और इसका स्कोर निकल के जो आएगा वही आपका बिटवीन द मीन फॉल करेगा क्लियर यस दीप्ति श्री चलिए बाकी सब भी आंसर कीजिए वेदर इट इज क्लियर और नॉट आगे चलें यस yes, बहुत अच्छे बहुत अच्छे चलिए थोड़ा सा फॉर्मूला ही याद रखना है बाकी सब कुछ नहीं ऑलरेडी गिवन होगा और बेसिकली शॉर्ट क्वेश्चन जैसे कि एमसीक्यूज में तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपको कैलकुलेट करने को देगा वो सब कुछ दे देगा ऑलरेडी इसी तरह से हंड्रेड मीन स्टैंडर्ड डिशन एन और uh, मतलब आपका सब कुछ दे देगा जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट जीरो सब कुछ दे देगा आपको बस फॉर्मूला पुट करना है और निकालना है बाकी कुछ नहीं करना बहुत अच्छे सभी का क्लियर है चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री एफ वैल्यू फॉर डिफरेंस बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स इन अचीवमेंट इज थर्टी सिक्स What will be its T value? ये थोड़ा ट्रिकी है अगर सभी को पता होगा एफ वैल्यू क्या है और टी के साथ उसका क्या रिलेशन रिलेशन बिटवीन टी एंड वो कर सकते हैं टी so, वैल्यू क्या होगा एफ वैल्यू uh, so, अगर थर्टी सिक्स है थर्टी टू फोर टू फिफ्टी सिक्स एंड सिक्स वेरी गुड वेरी गुड संतोष सोनी सन्यासी जीता दीपिका ईशानी प्रातिमा सलीजा एलिजा ईशानी बहुत अच्छे ईशानी ने बहुत अच्छे एक्सप्लेन किया है सर एफ इज इक्वल टू टी स्क्वायर एफ इज इक्वल टू टी स्क्वायर बहुत अच्छे ठीक है बहुत अच्छे तो एफ इज इक्वल टू टी स्क्वायर मतलब यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि एफ टी का स्क्वायर होता है ठीक है तो अगर वही बात मैं करूं देन व्हाट इज टी टी इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ एफ ठीक है ये तो सिंपल सा बात हमने पढ़ा था ना मतलब बचपन से पढ़ रहे हैं कि टी का अगर यहाँ पे स्क्वायर है तो ये स्क्वायर अगर इधर आ जाता है तो यहाँ पे रूट ओवर हो जाता है ठीक है ये स्क्वायर अगर हम यहाँ से हटा देंगे तो यहाँ पे रूट ओवर हो जाएगा तो टी इज इक्वल टू एफ स्क्वायर टी वैल्यू क्या होगा एफ का रूट ओवर एफ का रूट ओवर यानी कि थर्टी सिक्स का रूट ओवर थर्टी सिक्स को अगर रूट ओवर निकालते हैं तो कितना आ जाएगा सिक्स क्लियर है सबका क्लियर है हाँ आ, लिटिना दैट्स गुड लिटिना हम लोग स्लो स्लो ही चल रहे थे और शायद आपने सारा क्लास नहीं किया है ठीक है अगर नहीं किया है तो आप रिकॉर्डेड वीडियो देखिए फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो हम लास्ट में फिर से हम इसको क्लास कराएंगे ठीक है लिटिना क्योंकि शायद आप सभी को पूछिए कि हम ना जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जैसे कि रिसर्च का यूनिट हो गया स्ट्रेटिजिक का यूनिट हो गया वही हमने सबसे ज्यादा टाइम में लिया है यानी कि अभी शायद पांच छिक्स का ही चल रहा है ठीक है तो ऑलरेडी पांच छह क्लासेस हमने बहुत एक्सप्लेन किया है जो आपके सिलेबस में है भी नहीं जिससे क्वेश्चन बन सकता है उसको भी हमने डिस्कस किया है ठीक है और इसको सिंपली हमने एक्सप्लेन किया है वीडियो भी ऑलरेडी है आप इसको फिर से रिव्यू कीजिए फिर भी समझ में नहीं आए तो फिर से हम क्लास कराएंगे इसका मैंने कहा था इसका क्लास फिर से मैं कराऊंगा अपने से ही कराऊंगा क्योंकि मुझे पता है इनमें से थोड़ा स्लो चल रहे हो आप लोग और रिसर्च स्टैटिस्टिक्स में ही सवाल आपको कंफ्यूज कर सकते हैं मैथमेटिकल पार्ट में प्रॉब्लम हो रहा है हाँ यही छोटा मोटा मैथमेटिक्स में आपको प्रॉब्लम होगा बाकी सब अगर कॉन्सेप्ट समझ जाओ तो फिर कर लोगे ठीक है क्लियर आगे बढ़ते हैं ये वाला क्लियर हो गया थर्टी फोर्थ क्वेश्चन पे चलेंगे थर्टी फोर्थ क्वेश्चन पूछ रहा है रिसर्चर यूजेस बोथ टी टेस्ट एंड एफ टेस्ट ऑन द सेम डेटा ऑप्टेन फ्रॉम टू ग्रुप्स फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन वैल्यू ऑफ टी टी एंड एफ इज वुड बी वही सेम बात है अभी जो मैंने कहा सिंपल सी बात है एफ एंड टी में क्या रिलेशन है वही पूछ रहा है ठीक है, तो uh, है आगे बढ़ते हैं चलिए बहुत अच्छे थर्टी फाइव विल बी दी वैल्यू वन बिटवीन ग्रुप वेरियंस एंड विद इन ग्रुप वेरियंस इज टू हंड्रेड एंड फिफ्टी रेस्पेक्टिवली ठीक है टी वैल्यू पूछ रहा है अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन ट्रिकी है ट्रिकी मतलब समझ गए तो फटाक से आंसर कर लोगे नहीं समझ में आया तो गलत करोगे ठीक है या तो छोड़ के आओगे यहाँ पे टी पूछ रहा है बेसिकली ये किसका फॉर्मूला है यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला होगा मुझे बताइए किसका है वेरी गुड ईशानी ईशानी बहुत अच्छे सभी ने सही आंसर किया है लगभग पीछा नहीं कह रहे हैं सर एफ कैलकुलेशन होगा और एफ रेशियो किसका होता है एफ रेशियो किसका होता है यस yes. बताइए एफ स्कोर किसका होता है बहुत अच्छे बताइए वेरी गुड एनोवा का होता है एनोवा किसने इन्वेंट किया है जिन लोगों ने क्लास किया है वो फटाफट आंसर कर सकते हैं ठीक है तो एफ रेश्यो हम निकालते हैं मीन सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन द ग्रुप मीन सम ऑफ स्क्वायर विद इन द ग्रुप सम ऑफ द स्क्वायर अभी दे दिया गया है ग्रुप वेरिएंस विद इन द ग्रुप बिटवीन द ग्रुप है 200 विद इन द ग्रुप है 50 यानी 200 डिवाइडेड बाय 50 ठीक है तो आ गया यहां पे 4 4 पूछ रहा है अब एफ आ गया 4 यानी टी कितना हो जाएगा टी कितना हो जाएगा एफ का क्या हो जाएगा रूट रूट ओवर ओवर हो जाएगा, यानी अगर 4 है तो द राइट आंसर यस रोनल्ड फिशर बहुत अच्छे बहुत अच्छे वेरी गुड वेरी गुड वेरी इंप्रेसिव आगे चलते हैं इसी के साथ थर्टी सिक्स शेप ऑफ स्क्वायर कर्व ऑलवेज डिपेंड्स ऑन का जो शेप होता है कर्व जो होता है वो किसके ऊपर ज्यादा डिपेंड करता है डिस्ट्रीब्यूशन पे डिग्री ऑफ फ्रीडम पे फ्रिक्वेंसीज पे नॉन किसी पे भी बिलीव नहीं करता है किसी पे भी भरोसा नहीं करता है. इजी डायरेक्ट क्वेश्चन था ये बहुत अच्छे सभी का सही आंसर आ चुका है चेक योर आंसर अगेन ठीक है तो सभी का सही आंसर आ चुका है ये सीधा क्वेश्चन था ये डिग्री ऑफ फ्रीडम पे बिलीव करता है, है डिग्री आपको पढ़ाया है कि यहां पे जो टी इंटू टू इंटू टू टेबल टू इंटू थ्री टेबल वो भी हमने क्लास में कन्वर्ट कराए थे ठीक है जो की uh, मैंने कहा था अगर कुछ डाउट भी होगा काय स्क्वायर में भी अगर कुछ डाउट है जो लोग लेट से ज्वाइन किए हैं तो उन लोगों के लिए भी हम लोग एक क्लास रखेंगे जिसमें सारे स्टूडेंट्स ज्वाइन करेंगे और वहां पे हम लोग स्ट्रेटेजिक डिस्कशन करेंगे बस उन्हीं के लिए जो लोग को लगता है हमारा थोड़ा मैथमेटिक्स स्लो है और उसके साथ ही साथ उनको ये भी लगता है कि बाद में ज्वाइन किया इसलिए हमने क्लास मिस कर दिया ठीक है कोई बात नहीं चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ

चाहे वो रिस्पॉन्स करने में हो चाहे वो एक्सप्लेन करने में हो चाहे वो आ, मतलब क्वेश्चन uh, प्रॉम्प्ट uh, करने के लिए यानी क्वेश्चन से पहले भी उनको रूल्स पता होते हैं तो उन, उनको पता होता है कि इसका आंसर क्यों और कैसे हुआ दे विल एक्सप्लेन दे विल सपोर्ट देर आंसर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं मतलब एक टाइम आएगा जब मैं बिलीव करता हूं उन लोगों में कि वो लोग बहुत आगे जाएंगे और उन लोगों का जो सीट है ना वो ऑलरेडी फिल्ड है ठीक है तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ क्यों बात कर रहा हूँ ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा जो लोग सिंसियर होंगे अपने पढ़ाई में और अपने क्लास uh, के लिए उन्हें डेफिनेटली जॉब मिलने वाला है ठीक है ठीक एंड एंड आई कैन सी आर वेरी मच सिंसियर दे आर अटेंडिंग एवरी क्लास दे आर आंसरिंग एवरी क्वेश्चन ठीक है बहुत अच्छे बहुत अच्छे ये कीप इट अप टिल योर एग्जामिनेशन इज ओवर एंड यू आर गोइंग टू बी द नो मसीहा ऑफ आर सेशन चलिए ठीक है कोई बात नहीं जो लोग नहीं कर रहे उन लोगों के लिए एक एडवाइस है अगर कर रहे हो ना डेडिकेशन दे रहे हो ना तो खुद को भी दो क्लास को भी दो और हमें भी दो ताकि हम आपको अच्छे से मदद कर सकते हैं क्लियर चलते हैं इसके अलावा हम और क्या भी कर सकते हैं ठीक है तो ऑल ऑफ द राइट आंसर क्योंकि ये पॉपुलेशन और सैंपल के बीच में जो वेरिएंस है उसको वो टेस्ट करता है डिग्री ऑफ फ्रीडम भी ये मेजर uh, uh, करता है और आपको पता है ऑब्जर्वड एंड एक्सपेक्टेड एफओ माइनस एफई डिवाइडेड बाय एफई जो कि मैंने पढ़ाया था वही होता है का स्क्वायर <laughs> उसके बाद थ्योरी अप्रोच वाज डेवलप्ड बाय यहां पे थोड़ा सा इजी क्वेश्चन आ गया हेडगर क्लासर एंड स्ट्राउस हसल एंड डेंसिबल ठीक है क्वेश्चन है सभी का सही आंसर आने वाला है यस वेरी गुड सभी ने सही आंसर किया है डिस्कशन इस पर नहीं है ग्राउंडेड थ्योरी आपको पता है इट इज द ओनली थ्योरी वेयर द द रिसर्चर हैज नथिंग इन हैंड बट गोज टू द फील्ड डायरेक्टली एंड इनवेंट डेवलप थ्योरी आउट ऑफ द सिचुएशन ठीक है वहीं पे डायरेक्टली वो अपना थ्योरी डेवलप करता है ठीक है सभी का सही आंसर आ चुका है आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन लेकिन किसी को प्लस में मिल रहा है जीरो पॉइंट सिक्स किसी को जीरो माइनस uh, में मिल रहा है जीरो पॉइंट सिक्स अब विच ऑफ द टू वैल्यूज इंडिकेट अर रिलेशनशिप इनमें से कौन सा हाइयर रिलेशनशिप को मेजर करता है ठीक है तो ये कह रहा है कि प्लस जीरो पॉइंट सिक्स फाइव इंडिकेट हायर डिग्री देन जीरो पॉइंट मतलब माइनस जीरो माइनस जीरो पॉइंट सिक्स इंडिकेट हायर डिग्री रिलेशन देन प्लस बोथ इंडिकेट सेम डिग्री ऑफ रिलेशनशिप नो सच स्टेटमेंट कैन बी मेड अबाउट कंपेरिजन ठीक है बहुत अच्छे जिन लोगों ने भी आंसर किया है क्या कि मुझे बता सकते हो कि क्यों वाई वाई डू यू थिंक दैट इट विल इट विल बी द आंसर क्यों आपको लग रहा है यस yes, बहुत अच्छे सभी का सही आंसर आ चुका है ठीक है देखिए uh, सही आंसर सन्यासी सलीजा ईशानी लिप्सा सोनी एलिजा अगेन दीपिका किशोर तृप्तिमय व्रज किशोर रेडमी अगेन देखिए रेडमी नाम का कोई नहीं है इसलिए रीनेम सर प्लस माइनस दोनों है बट परसेंटेज तो सेम ही है ना वेरी गुड सुरेखा सुरेखा वॉज द टॉपर ऑफ द लास्ट मॉक टेस्ट ठीक है अभी क्लास वो रेगुलरली कर रहे हैं तो तो रेगुलर कीजिए बहुत आगे ठीक है है वर्षा इसी को डिस्क्राइब कर रहे हैं देखिए चाहे चाहे में में हो चाहे हो लेकिन impact तो सेम ही यानी आप परसेंटेज से देखते हो नंबर से देखते हो प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है अगर प्लस में है तो पॉजिटिव है माइनस है तो नेगेटिव कोरिलेशन है पॉजिटिव कोरिलेशन प्लस 0.65 है और नेगेटिव में तो है तो माइनस लेकिन जीरो पॉइंट चाहे वो प्लस हो जितना इंपॉर्टेंट है माइनस में भी उतना ही है ठीक है जैसे कि मान लीजिए सिंपल कर देता हूं इसको मान लीजिए आपने पैंसठ रुपए फाइव रुपीज यू आपके वॉलेट में पैंसठ रुपए यानी कि साठ रुपए प्लस पांच रुपए सिक्सटी फाइव रुपीज अगर मान लीजिए आपके वॉलेट में कुछ भी नहीं है लेकिन आपको एक दोस्त को माइनस दोस्त को देना हो 65 65, तो इसका मतलब है हायर रिलेशनशिप किसी में नहीं होता है सिक्सटी फाइव पॉजिटिव है, 65, .65, में है तो दोनों का रिलेशनशिप सेम है सेम डिग्री है कोई किसी से ज्यादा कम नहीं है Yes, Now is it clear? दोनों का वेटेज सेम है 65 फाइव यानी जीरो पॉइंट प्लस में हो चाहे माइनस में हो सिक्स इज सिक्स ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव ठीक है चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो सिक्स जैसे मैंने कहा ना आपके पास सिक्सटी फाइव रुपीज है तो भी वो सिक्सटी फाइव है अगर आपको किसी को सिक्सटी फाइव रुपीज देने हैं तो भी वही सिक्सटी फाइव है ठीक है बस प्लस माइनस है प्लस है तो आपके पास है माइनस है तो किसी को देना है आप उधारी में लाए ओके सो द आंसर विल बी सी बोथ इंडिकेट द सेम डिग्री ऑफ रिलेशनशिप क्वेश्चन नंबर फोर्टी इन अ नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन विच रिलेशनशिप इज करेक्ट कौन सा इनमें से करेक्ट है वो देख लीजिएगा यस क्लियरली लिखा गया है क्या है यहां पे यस वेरी गुड वेरी गुड देखिए फिर से वही मिक्स टाइप ऑफ आंसर आ रहे हैं यहां पर मानसी योर आंसर अगेन बी इज द राइटर ठीक है नेगेटिव लिस्ट क्यू में क्या होता है मोड इज ग्रेटर देन मीडियन एंड मीडियन इज ग्रेटर देन मीन ठीक है पॉजिटिव में उल्टा हो जाएगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं सो स्पेशल अनाउंसमेंट अगेन फॉर पीजीटी

स्पेशल ऑफर क्योंकि हम हाँ, आप लोगों के लिए ऑफर लाएंगे क्योंकि आप लोग हमारे ऑलरेडी मेंबर्स मेंबर्स हो members के लिए भी स्पेशल डिस्काउंट है तो आप कॉन्टेक्ट कीजिएगा ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते हैं इज द रेंज ऑफ पॉजिटिव पॉजिटिव ये मैंने पढ़ाते वक्त ही कह दिया था कि पॉजिटिव रिलेशन का कोरिलेशन का रेंज कितना होता है जीरो टू वन जीरो टू माइनस वन माइनस वन टू प्लस वन माइनस थ्री टू प्लस थ्री ऐसे आंसर्स नहीं आने हैं दीपिका वर्षा चेक चेक्यूर आंसर्स ये आंसर्स नहीं बनेंगे लिपक ये भी आंसर नहीं बनेगा पॉजिटिव कोरिलेशन पूछ रहा है पॉजिटिव हमेशा याद रखिए पॉजिटिव पूछ रहा है तो चेक योर आंसर्स वेरी गुड ऑल ऑफ यू बहुत अच्छे अब सही है दीपिका पॉजिटिव का मतलब जीरो टू प्लस वन ही होता है क्योंकि वो कभी भी माइनस वन से नहीं जाएगा माइनस तो नेगेटिव है ना तो जीरो जीरो इज द मॉडरेटर यानी न्यूट्रल है न्यूट्रल रेंज से 1 तक चलेगा वही है वेरी गुड लिपक नाउ यू आर करेक्ट अगर प्लस वन पूछा जाता है तो रिलेशन माइनस वन हो गया परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन ठीक क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू यहां पे पूछा जा रहा है इन द प्रोसेस ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ए मल्टीपल चॉइस टेस्ट

लिटिना चेक योर आंसर यहाँ पे काई स्क्वायर टेस्ट होगा क्योंकि देखिए एक टेस्ट होता है टी टेस्ट एफ टेस्ट होता है स्ट्रेंडरेस टेस्ट साइन टेस्ट तो होगा ही नहीं उसका उससे काट दीजिए अब आ गया काई स्क्वायर टेस्ट काई स्क्वायर टेस्ट

वो क्या होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मुला भी मुझे बताते चलिए साइड 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 बाई साइड ठीक है कैन बी नेगेटिव कैन बी पॉजिटिव इज ऑलवेज पॉजिटिव समटाइम पॉजिटिव समटाइम नेगेटिव ठीक है देखिए सभी का सही आंसर आ चुका है लेकिन मुझे बताइए डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट कैसे किया जाता है ये भी मैंने आपको पढ़ाते वक्त बोला था अगर आपको याद होगा तो डेफिनेटली आप लोग कह सकते हो बहुत अच्छे बहुत अच्छे एन माइनस वन बहुत अच्छे मिताली बहुत अच्छे वेरी गुड वेरी गुड और भी मैंने कहा था और भी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं यस वेरी गुड एन माइनस वन एन माइनस वन बहुत अच्छे बहुत अच्छे और भी कहा था मैंने एक और प्रोसीजर जैसे आप कैलकुलेट कर सकते हो वेरी गुड वेरी गुड चलिए कीप आंसरिंग हाँ बहुत अच्छे क्लियर इज ऑलवेज पॉजिटिव ग्रेट तो वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम हमेशा क्या हो जाता है इज ऑलवेज पॉजिटिव ठीक है और एक बात जब हम डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करते हैं तो एन माइनस वन से निकालते हैं एन माइनस वन इज डिग्री ऑफ फ्रीडम ठीक है तो चलिए विच इज मेजर दैट ऑकर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन अ डिस्ट्रीब्यूशन एक डिस्ट्रीब्यूशन में हमेशा वो रिपीट होता रहता है इसको क्या कहते हैं मीन मीडियम एवरेज मोड क्या कहते हैं मतलब जो चीज या फिर जो डिस्ट्रीब्यूशन या फिर जो नंबर सबसे ज्यादा टाइम रिपीट होता है उसको क्या कहते हैं ये एक सिंपल सा डेफिनेशन है सभी का सही आंसर आ चुका है नो डिस्कशन इज नीडेड मोड कहते हैं इसको क्योंकि ये ज्यादा टाइम रिपीट होता है इसलिए इसका फ्रिक्वेंसी निकल जाता है जिसका फ्रिक्वेंसी ज्यादा होगा वो मोड कहलाएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटिंग कोरिनेशन बिटवीन कॉन्टिन्यूस वेरिएबल एंड जेन्युन डाइकोटोमस वेरिएबल मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड इज इजन्युन डाइकोटमस याद रखिएगा जेन्यन एक जेन्युन और जेन्युन को हम और क्या कह सकते हैं मुझे ये भी बताइए मैंने उस दिन अच्छे से कहा था कि जो रिलेशन पढ़ाया था मैंने कोरिलेशन उसमें कहा था जेन्युन क्या होता है वेरी गुड जीता सोनी प्रतिमा किशोर सुरेखा सभी ने कहा ये ट्रू होता है ये नेचुरल होता है जेन्युन डाइकोटोमस मतलब नेचुरल डाइकोटोमस मतलब जो वेरिएबल का दो हिस्सा होता है यानी इट इज डिवाइडेड इन टू टू दोज हु हैव टू फेस और वैल्यूज एक होता है नेचुरल एक होता है आर्टिफिशियल जेनुइन वो होता है जो नेचुरल होता है ट्रू होता है तो उसको हम कौन सा वाला कोरिलेशन मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था इसलिए सभी ने सही आंसर किया पॉइंट बाई सीरियल अब मैं अगर क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दू जेनुइन डाइकोटोमस वेरिएबल हमारे पास नहीं है इट इज आर्टिफिशियल डाइकोटोमस वेरिएबल वो क्या हो जाएगा बताइए क्या हो जाएगा जो लोग हमारे क्लास रेगुलरली करते हैं वो लोग हर एक आंसर कर सकते हैं बहुत अच्छे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लेवल डिफिकल्ट भी था मॉडरेट भी था इजी भी था सभी लेकिन सही आंसर कर रहे हैं ठीक है बहुत अच्छे जैसे कि मैंने कहा था लास्ट में मैं अनाउंस करूंगा कि कौन है हमारे टॉपर ठीक है टॉपर कौन थे वो भी हम लोग अनाउंस करेंगे ठीक बहुत अच्छे ग्रेट तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं ठीक ओके वेरी गुड वेरी गुड बाई सीरियल को हो जाता वेरी गुड बाई सीरियल को कब होता है अगर हम लोग एक आर्टिफिशियल डाइकोटमस वेरिएबल लेते तब हमारा यहाँ पे बन जाता है बाई सीरियल को ठीक है बहुत अच्छे चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स अब इसे मैच करना है आपको मैच द फॉलोइंग लिस्ट प्रोडक्ट मोमेंट रैंक ऑर्डर बाई सीरियल पॉइंट बाई सीरियल दोनों का मैच करना है इसके साथ बोथ वेरिएबल एक्सप्रेस इन एन ऑर्डिनल स्केल यहाँ पे और एक पूछ रहा है कि बोथ वेरिएबल्स आर इन इंटरवल स्केल वन वेरिएबल इज कंटीन्यूअस अनदर इज ट्रूली डाइकोटमस और भी पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है बोथ वेरिएबल्स आर अ ट्रू डाइकोटमस वो वेरिएबल वन वेरिएबल इज कंटीन्यूअस अदर इज आर्टिफिशियली डाइकोटमस इसमें से सही आंसर क्या होगा वो मुझे बताइए बहुत अच्छे वेरी गुड वेरी गुड सभी का आंसर आने लगा है बहुत अच्छे Answering. हाँ बहुत अच्छे तो देखिए सभी का सही आंसर आ चुका है बी इज़ द राइट आंसर क्योंकि देखिए हमेशा याद रखिएगा प्रोडक्ट मोमेंट को रिलेशन क्या होता है बोथ वेरिएबल्स इन एन इंटरवल स्केल प्रोडक्ट मोमेंट है हमेशा मैंने कहा था प्रोडक्ट मोमेंट वेरिएबल में यानी जो कोरिलेशन देखते हैं दोनों के दोनों इंटरवल स्केल में होते हैं ठीक है जो रैंक ऑर्डर होता है रैंक ऑर्डर होता है वेरिएबल ऑर्डिनल वो रैंक ऑर्डर कह रहा है इसका मतलब अगर मान लीजिए पे थोड़ा सा आपका वीक है आप अच्छे से नहीं पढ़े हो तो कैसे कर सकते हो सीधा आप रैंक पे चले जाइए रैंक ऑर्डर को रिलेशन पता है रैंक में होगा यानी ऑर्डिनल स्किल में यहाँ पे ऑर्डिनल स्किल कहाँ पे यहाँ पे इसको मैच कर दीजिए पहले बी विथ वन देखिये बी विथ वन एक ही है With one, एक ही है ये थोड़ा सा ट्रिक आप अप अप्लाई कर सकते हो बी विथ वन एक ही है तो यही आंसर होगा इसको बाकी को मैच कर सकते हो अगर मान लीजिए दो तीन में भी होता तब बाई सीरियल पॉइंट बाई सीरियल मैंने कहा कहा था अगर आर्टिफिशियल होता तो वो आ, बाई सीरियल अगर नेचुरल यानी ट्रू होता तो पॉइंट बाई सीरियल देखिए यहाँ पे फोर विथ फोर ठीक है फोर विथ फोर इसको मैच कर सकते हो ठीक है

कोई अनम्यूट मत कीजिए सुप्रभा म्यूट कीजिए वेरी गुड बहुत अच्छे ईशानी जीता बहुत अच्छे ओके वेरी गुड तो चलते हैं इसका सही आंसर डी है क्योंकि देखिए सीरियल कोरिलेशन कब होता है अभी मैंने कहा था बाई सीरियल कोरिलेशन कब होता है जब हम मतलब एक होता है फोर्स डाइकोटमी यानी कि आर्टिफिशियल डाइकोटमी ठीक है बाई सीरियल में आर्टिफिशियल डाइकोटमी फोर्स डाइकोटमी मतलब

दोनों के दोनों वेरिएबल जो होते हैं वो आर्टिफिशियल होते हैं वैसे पाई कोएफिशिएंट में उसका उल्टा होता है जेन्युइन डाइकोटमस होता है क्लियर ओके okay, चलते हैं आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग शुड बी कंसीडर्ड एज द फर्स्ट स्टेप ऑफ अप्लाईंग मिक्स्ड मेथड रिसर्च इनमें से क्या है या फिर इनमें से कौन सा हम मानते हैं कि फर्स्ट स्टेप ऑफ अप्लाईंग मिक्स्ड मेथड रिसर्च जब हम अप्लाई uh, करते हैं रिसर्च में तो फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए फॉर्मूलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव रिसर्च मेथड सिलेक्शन ऑफ रिसर्च सबसे इंपॉर्टेंट वही होता है नहीं सस्मिता चेक योर आंसर बाकी सबका सही आंसर आया है बहुत अच्छे कीप आंसरिंग वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड कीप आंसरिंग वेरी गुड तो सभी का आंसर आ चुका है डी

y causes variation in x x and y vary together x and y cause each other to vary ठीक है तो ये क्वेश्चन है थोड़ा सा सोच समझ के आंसर कीजिए वेरी गुड सन्यासी जीता ईशानी व्रज रंजन एलिजा सलीजा सस्मिता तृप्तिमय किशोर संगीता मिताली सोनी दीपिका बहुत अच्छे बहुत अच्छे तो सभी का सही आंसर आ चुका है लेकिन कि दोनों के अगर जैसे होता है मार्केट में जैसे जाते हैं तो सभी ऊपर जाते हैं तो सभी नीचे आते है उसी तरीके से तो सभी का सभी जो दोनों के दोनों नेगेटिव होंगे नेगेटिव को होगा यानी दोनों के दोनों वेरी करेंगे एक ही साथ ऐसा नहीं कि एक्स कॉज करेगा वाई को वाई कॉज करेगा एक्स को ऐसा कुछ नहीं होता है लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे

The difference between mean has occurred due to something error. Chances are 95 out of 100 that the difference between mean has occurred due to sampling error. If experiment is repeated 100 times, it would give the obtained result only five times. If the experiment is repeated five times, it would give the same result every day. maine jab significant level पढ़ाया था, तब मैंने explain कर दिया था हर चीज़ को, ठीक है? I hope सभी इसको, इसको मतलब देखी होंगी क्लास और आप सभी सही आंसर कर सकते हो, देखिए। यहां पे ऑलरेडी ऑलमोस्ट फिफ्टी स्टूडेंट्स आर हियर बट आई एम गेटिंग ओनली हाफ ऑफ द इट इज नॉट एट ऑल ए गुड साइन जो कि हम आपके लिए जो मेहनत कर रहे हैं जो आपके लिए पढ़ा रहे हैं मुझे नहीं लगता कि आपके लिए हो रहा है या फिर हमारे लिए फ्रूटफिल हो रहा है ठीक है आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दिस टाइप ऑफ बिहेवियर टू फ्रॉम ऑल ऑफ यू ठीक है जो भी आप ये कर रहे हो या फिर सुन रहे हो विदाउट आंसरिंग मुझे लगता है कि आप लोग आंसर ही नहीं करना चाहते हो या तो फिर आप सीखना ही नहीं चाहते हो अगर सीखना चाहते हो तो फिर आंसर करते कि सर चलो ये हमने आंसर किया बट आवर आंसर ठीक है यू में रेक्टिफाई योर बट विदाउट आंसरिंग आप फिफ्टी क्वेश्चन पास कर रहे हो ठीक है सो दिस इज अ ग्रेट यू नो हेडक फॉर योर सेल्फ नॉट फॉर मी ठीक है तो चलिए आई होप ये आप समझ पाओगे जब समझ पाओगे तो बहुत लेट हो गया होगा तो ये मत करना ठीक तो है तो ए इज द राइट मैंने जब बताया था कि जीरो पॉइंट जीरो फाइव लेवल मतलब ये होता है कि फाइव परसेंट चांसेस है ठीक है कि हंड्रेड में से फाइव परसेंट चांसेस है यानी चांसेस आर फाइव आउट ऑफ हंड्रेड पांच ही है मान लीजिए सौ चांसेस आपने लिए हैं

एक चीज और भी मैं हमें आ, मतलब एक्सप्लेन करने के लिए मैंने कहा था कि आज का टॉपर हम डिसाइड करेंगे सो so ट्यून कि हम लोग एक चीज आपको बता दें जो लोग ऑलरेडी ज्वाइन किए हैं पीजीटी ग्रुप में वो लोग लेक्चरर ज्वाइन कर सकते हैं विद द और उसके साथ साथ आपको ऑफर भी मिलने वाला है उसके साथ जो लोग ज्वाइन नहीं किए हैं वो यूट्यूब है तो वो लोग भी ज्वाइन कर सकते हो एज क्विकली एज पॉसिबल क्योंकि क्लासेस फ्लो हो रहे हैं आगे आगे बढ़ रहा है और देखिए क्वेश्चन लेवल आपको मुझे कमेंट में जरूर बताइए क्वेश्चन लेवल कैसा था अगर आप चाहते हो इस टाइप ऑफ क्वेश्चन को डील करने के लिए तो लेट अस नो कि हाँ ये सही था और ऐसे क्वेश्चन चाहिए और जो भी आपको लगता है डाउट वो आप हमें डायरेक्टली पूछ सकते हो ठीक है ठीक है उसके साथ ही साथ एक चीज मैं आप लोगों को बता दू की जो क्वेश्चन हमने दिया था उस क्वेश्चन में कौन लोग टॉपर है तो आप लोगों में से मुझे बताइए किनका स्कोर ज्यादा था मुझे बताइए आपका स्कोर बताइए ठीक है थोड़ा सा बताइए आपका स्कोर अभी हम डिसाइड करते हैं कौन है